काश मैंने वक्त पे पढ़ लिया होता, काश मैंने सुपर टीचर्स की सुन ली होती, काश मैंने नेवर अगेन सेल में सुपर कोचिंग ले लिया होता। अब रिग्रेट नहीं, अपना फ्यूचर सेट करो विद नेवर अगेन सेल, जहां आपको मिलेगा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस 27 से 30 अप्रैल। साथ ही साथ टेस्ट बुक पास आपको मिलेगा सबसे कम दाम विद डबल वैलिडिटी, यानी 2 ईयर टेस्ट बुक पास आपको मिलेगा सिर्फ ₹249 में। तो अगर आप SSC, EPFO, UPSC, डिफेंस, स्टेट PSC, इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन, सभी का स्वागत है सेशन में। तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और एक बार मुझे बताएं क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रॉपर। सो गाइस, चलिए MPPGCL JEE का एग्जाम कल है शेड्यूल्ड, यानी कि 30 अप्रैल को। तो आज करते हैं एक फाइनल अटैक। तो आज आपकी लास्ट क्लास होने वाली है MPPGCL JEE की, इसके बाद से ये क्लास हो जाएगी खल्लास। सो गाइस, आज आपकी लास्ट क्लास है, तो इस लास्ट क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं, जो बच्चे किसी भी AE JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि आज ही होने वाली है MPPGCL JEE की लास्ट क्लास, क्योंकि आज कल है आपका एग्जाम शेड्यूल, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, ये फाइनल अटैक, एक प्रतिघात करते हैं, एक अंतिम वार करते हैं। और उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम का चैनल जरूर फॉलो कर लेंगे, राहुल मिश्रा सर टेस्ट बुक और टेस्ट बुक इंजीनियरिंग। तो जो बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं बच्चे एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट विशेस आप सभी को। कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए है अंतिम वार, अंतिम सीरीज है क्वेश्चन की MPPGCL JEE की, ठीक है। सो राहुल मिश्रा सर टेस्ट बुक और टेस्ट बुक इंजीनियरिंग चैनल को ज्वाइन करें। और गाइस द बिग फिनाले, यानी कि 29 से 30 अप्रैल, आज और कल मिल रहा है बहुत खास टेस्ट बुक का पास, जिसमें आपको टेस्ट बुक का पास और पास प्रो दोनों मिल रहे हैं। पास आपको मिला है 224 में और पास प्रो यहाँ पे आपको मिल रहा है गाइस 449 में। आपको यहाँ पे यूज करना है कोड आर मिश्रा पास। क्या यूज करना है? आर मिश्रा पास। जैसे आप ये आर मिश्रा पास कोड यूज करेंगे, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस यहाँ पर। तो 224 का ये मिल जाएगा 2 साल के लिए, 449 का आपको मिल रहा है 2 साल के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरा कोड आर मिश्रा पास यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ऑफर की जो वैलिडिटी है बच्चे वो 29 और 30, यानी कि 2 दिन है, आज और कल है। इसको जल्दी जल्दी ग्रैब करिए अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगानी है। और नेवर अगेन गेन सेल में आपको मिल रहा है गाइस टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत ही धमाकेदार ऑफर, यानी कि बार का डिप्लोमा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। देखिए कैटेगरी 1 7000 आपको 1819 में मिल रहा है, जिसके साथ आपको मिल रही है 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी कि 9 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको ₹7000 का सिर्फ 1819 रुपए में मिल रहा है। और ये भी ऑफर सिर्फ कल तक है, 30 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल खत्म, ऑफर खत्म। तो इससे पहले कि अप्रैल खत्म हो जाए, इस ऑफर को अपना बनाइए, तैयारी में लग जाइए गाइस, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, रैपिड बैक टू बैक आपके एग्जाम शेड्यूल्ड हो रहे हैं, तो तैयारी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का ITI वाले बच्चों के लिए पूरा कोर्स ₹6000 का 1559 में, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ मात्र ₹1500 में। और गाइस आपको यहां पर 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में आपको ये 30 अप्रैल तक ऑफर मिल रहा है, 30 अप्रैल तक आप इसे अपना बना सकते हैं। और फाइनली जो बच्चे चाहते हैं AE JEE मैकेनिकल का पूरा कोर्स लेना गाइस, उनके लिए ऑफर 11000 का पूरा कोर्स 2989 में मिल रहा है। आपको मिल रही 9 मंथ्स की वैलिडिटी और यहां पर पूरा 90% तक आपको ऑफ मिल रहा है, 11000 का पूरा कोर्स आपको 2989 में। कोड आपको लगाना है आर मिश्रा और ये ऑफर आपको मिलेगा 30 अप्रैल तक। सो बच्चे इस ऑफर को बिल्कुल मिस ना करें, डोंट मिस द चांस, ओके। इस ऑफर को अपना बनाएं और तैयारी में सब लोग लग जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम बैक टू बैक शेड्यूल्ड हो रहे हैं। देखिए इसरो का, बार का, सबका एग्जाम आपका आने ही वाला है, लगातार बैक टू बैक एग्जाम आपके शेड्यूल्ड हो रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का सिलसिला, और आज होगी आपकी अंतिम क्लास MPPGCL JEE की लास्ट क्लास टुडे। तो सभी को गुड इवनिंग, सूर्यांश मालविया जी, वसंत, रत्नेश, प्राची, देवेश शर्मा जी, सभी को गुड इवनिंग, डियर सोम घोष जी, सभी गुड इवनिंग। चलिए सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका आंसर फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। गाइस टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 80+ क्वेश्चन इन 2 आवर्स, सो बी रैपिड, थोड़ा सा क्विक आंसर करेंगे, डोंट नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इन रैपिड फायर मोड, ओके। एटलीस्ट वी शुड सॉल्व 80+ क्वेश्चन इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 80 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। दिलीप गुप्ता जी गुड इवनिंग डियर। चलिए तो आइसोथर्मल कंप्रेशन दो मोस्ट एफिशियंट बट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। आइसोथर्मल एफिशियंट जो आपका कंप्रेशन है बच्चे, वो बहुत ज्यादा एफिशियंट है, यानी कि एज कंपेयर टू एडियाबैटिक यू कैन सेव मोर वर्क इन आइसोथर्मल, बट स्टिल इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल प्रोसेस, इट इज नॉट प्रैक्टिकल प्रोसेस, बिकॉज द आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है। So compressor has to run very slowly to achieve this process, because isothermal is very slow, adiabatic very fast, isothermal very slow,
आइसोथर्मल वेरी स्लो, वेरी स्लो, एडियाबैटिक वेरी फास्ट, एडियाबैटिक वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस. गाइज दिस इज द रीजन दैट इन प्रैक्टिकल नीदर वी प्रेफर आइसोथर्मल नॉर वी कैन प्रेफर द एडियाबैटिक प्रोसेस बिकॉज एडियाबैटिक इज वेरी फास्ट, आइसोथर्मल इज वेरी स्लो. So in between we have to compromise. Therefore we prefer generally polytropic compression in compressor. The isentropic efficiency of compressor is defined as the ratio of the isentropic compressor to isentropic compressor work to. Bataiye. The isentropic efficiency of compressor is defined as the ratio of the isentropic compressor work to. आंसर करो भाई क्या हो गया. अगेन डी आइसेंट्रॉपिक कंप्रेसर वर्क टू आइसेंट्रॉपिक कंप्रेसर वर्क. क्या बात है, दोनों सेम तो एफिशिएंसी 100% नहीं हो जाएगी. यस द आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, द आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इट इज रिटन एज isentropic work, isentropic compressor work upon actual work, isentropic work upon actual work. Because if the compressor is isentropic, if the compression process is reversible adiabatic, means there is no friction. So you have to supply less work when the compression is isentropic. तो जब compression बच्चे reversible adiabatic होगा यानी कि ideal होगा तो you should supply the less work because वहां पर कोई friction नहीं है तो आपको कम work supply करना पड़ेगा. So here W isentropic will be less. You have to supply less work because there is no friction. But in actual compression you have to supply more work because there is friction. So some work will be lost into the friction. Okay, कुछ work friction में loss हो जाएगा. So less by more is less. So always remember isentropic efficiency is always less than one. Means numerator should be less, denominator should be more. ठीक है, तब ये less आ जाएगा. Volume flow rate at the outlet of an compressor. The volume flow rate at the outlet of a compressor is dash that at the inlet. Even though the mass flow rate of air through the compressor is constant. बताइए. Good evening दीपा. Good evening. तुम अभी तक ट्रेन से कल से पहुंचे ही नहीं हो अभी तक. अभी तक ट्रेन में ही चल रहे हो. चलो भैया बताइए वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा. बच्चे वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी मिनिमम. वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर इज लेस देन एट द इनलेट. वॉल्यूम फ्लो रेट एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर शुड बी मोर एट एट द एग्जिट इट इज लेस बिकॉज हियर लिसन. वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा. मास फ्लो रेट हियर सेम. क्या दिया है, मास फ्लो रेट सेम. इवन दो द मास फ्लो रेट सेम, मास फ्लो रेट एम डॉट वन इज इक्वल टू एम डॉट टू. ठीक है, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू. सो गाइज हियर ऑलवेज रिमेंबर इन कंप्रेसर द प्रेशर एट एग्जिट डिक्रीजेस, द वेलोसिटी एट एग्जिट इन द प्रेशर एट एग्जिट इंक्रीजेस, द वेलोसिटी एट एग्जिट डिक्रीजेस. So at exit the mass flow rate will be minimum, means less as compared to inlet. Inlet comparison में mass flow rate exit पे क्या हो जाएगा, यानी कि discharge volume flow rate, volume flow rate क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा. Volume flow rate क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा. Q is equal to area into velocity, ये भी आप जानते हैं. या you can apply this equation also, आप ऐसे भी लगा सकते हैं mass flow rate. आप देखें P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 by T2. ठीक है, देखें exit पे This is same here. This is same. Okay, these two terms are same. Pressure at exit is higher. So to compensate this, the volume has to be minimum. Pressure ज़्यादा हो रहा है, तो उसको compensate करने के लिए volume को minimum होना पड़ेगा. So it is option one, less than. Next, which of the following is not positive displacement compressor? इनमें से कौन सा positive displacement compressor नहीं है? Which of the following is not a positive displacement compressor? इनमें से कौन सा positive displacement compressor नहीं है? क्या जाएगा बच्चे?
वेरी नाइस. सो रूट ब्लोअर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वेन वेन ब्लोअर या वेन पंप यू कैन से, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. सो ये तीनों क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है आपका? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पेपर. एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, बताइए. एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मिनिमम इन मैक्सिमम इन केस ऑफ efficiency of power transmission is maximum in case of क्या जाएगा बच्चे? चेन ड्राइव. क्या जाएगा? चेन ड्राइव, बिकॉज हियर देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिप, नो स्लिप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चेन्स, चेन्स are used when distance between the shaft is very small, provided provide constant velocity ratio and high transmission efficiency, occupy more space compared to belt drive, are light in weight as compared to belt, bataiye. Bache minimum mein fir aisa nahi hota, minimum mein fir aapko dekhna padega zyada slipping kis mein ho rahi hai, wo depend karega case pe. Theek hai, chain mein bache kya hoti hai? Provide constant velocity ratio and high transmission efficiency because there is no slipping in a chain drive. In gear drive, in chain drive, there is no slipping. कोई slipping नहीं होती, इस वजह से आपको एक exact velocity ratio और maximum velocity ratio यहाँ पर transmit करेगा. ठीक है guys, चलिए. Next, the relationship between the pitch of the chain and the pitch circle diameter of the sprocket D is given by the following equation. If T is the number of teeth on the sprocket. अब guys देखिए, जो आज का session मैंने लिया है ना, अब देखिए बच्चे, यहां पे जो मैंने आज का जो सेशन लिया है उसमें मैंने एमपी पीजीसीएल जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाले हैं. एक-एक टॉपिक को चुन के मैंने क्वेश्चन निकाले हैं. जो जो टॉपिक इसमें मेंशन है इंपॉर्टेंट, वो सारे टॉपिक मैंने निकाल के क्वेश्चन निकाले हैं. देखिए आप मिलाते जाइएगा, सारे टॉपिक आपको मिलते जाएंगे. तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है, क्या जाएगा? द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए बच्चे, जो होता है दो, जो रिलेशनशिप है पिच और डायमीटर का, वो होता है आपका P इज इक्वल टू डी साइन 180 बाई टी, डी साइन 180 बाई टी. सो दिस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन केस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पिच ऑफ द चेन एंड द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्प्रॉकेट डी इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द टी इज नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्प्रॉकेट. ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑप्शन सी. क्या है ऑप्शन सी? थोड़ा सा रैपिड फायर मोड में करेंगे गाइस. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 80 प्लस क्वेश्चन. दिस इज आवर टारगेट, वी आर गोइंग टू सॉल्व 80 प्लस क्वेश्चन. चलिए इसका आंसर करते हैं. शाफ्ट रन कर रही 80 आरपीएम पे एंड ड्राइव्स अनदर शाफ्ट एट 150 आरपीएम. गुड इवनिंग प्रकाश जी, गुड इवनिंग बच्चे. डिटरमाइन द वेलोसिटी रेशियो, नेगलेक्ट एनी स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली एंड कंसीडर द बेल्ट टू बी इन इलास्टिक. गुड इवनिंग रवि जी, गुड इवनिंग गाइस. देखिए हियर वी आर गोइंग टू टेक, हियर वी आर गोइंग टू टेक द एन वन बाय एन टू, एन वन बाय एन टू इज इक्वल टू डी टू बाय डी वन, वन माइनस परसेंटेज स्लिप, 1 minus percentage slip, यानी कि 1 minus s by 100. But here it is written that neglect any slip, किसी भी slip को आप neglect कर दीजिए. So it is equal to n1 upon n2 is equal to d2 by d1. Now you answer the question. क्या जाएगा guys? बहुत आसान सा question है. क्या आपसे बोला है? देखिए आपसे पूछा है कि consider the belt to be inelastic. क्या बोल? Determine the velocity ratio. Velocity ratio आपसे पूछा है ना? तो क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे आ जाएगा. A shaft runs at 80 rpm and drives another shaft. So 80 by 150 is equal to क्या जाएगा? D2 by D1. क्या जाएगा? D2 by D1. क्या आंसर आ रहा है बताइए यहां पर? Velocity ratio कितना आ रहा है? 8 by 15 और 15 by 8. बताइए. आंसर करेगा इस फास्ट.
बताइए। सो इन केस ऑफ, कौन सी ड्राइव है ये? बेल ड्राइव। कौन सी है? बेल ड्राइव। इन केस ऑफ बेल ड्राइव यू ऑलवेज कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, डिटरमाइन द वेलोसिटी रेशियो। तो आप वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? इट इज द स्पीड ऑफ द ड्रिवन, लाइक स्पीड ऑफ द ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ द ड्राइवर, है ना। तो क्या जाएगा? ड्रिवन की स्पीड क्या बचे? 150 अपॉन कितना जाएगा? ड्राइवर कितना है? 80 आरपीएम। कितना जाएगा? 15/8। कितना जाएगा? 15/8। ठीक है? नो, एट नॉट 8/15 डियर, इट इज 15/8। इट इज, यू हैव टू कैलकुलेट N2/N1 ना। इट इज द स्पीड रेशियो इन केस ऑफ बेल ड्राइव, इट इज ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, इट इज नॉट गियर, इट इज बेल ड्राइव, इट इज अ 15/8। हाँ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यस यस, बट स्पीड रेशियो इन केस ऑफ बेल ड्राइव वी ऑलवेज टेक एज N2/N1, ड्रिवन बाय ड्राइवर, इट इज नॉट गियर डियर, डोंट कंफ्यूज विद द गियर, इट इज नॉट गियर। आइडलर पुली इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट, फॉर अप्लाइंग टेंशन, फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। नो डियर, इट इज नॉट ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। आइडलर पुली इज ओनली यूज्ड टू अप्लाई द टेंशन, आइडलर पुली इज ओनली यूज्ड टू अप्लाई द टेंशन, आइडलर पुली इज ओनली यूज्ड टू अप्लाई द टेंशन, इट इज ओनली यूज्ड टू अप्लाई द टेंशन, फॉर अप्लाइंग द टेंशन, ऑप्शन 2 बी विल बी करेक्ट। बहुत बढ़िया, इट इज नॉट डी डियर, इट इज नॉट डी, आइडलर पुली, इट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग द टेंशन। फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन वी यूज इंटरमीडिएट गियर्स इन गियर ट्रेन, फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन वी यूज इंटरमीडिएट गियर्स इन गियर ट्रेन, जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, आंसर करें फास्ट। Which of the following is not correct in respect of V belt drive? इनमें से V belt drive के बीच लिए कौन सा सही नहीं है? Because guys, I have taken these questions because in MP PGCIL JEE there is a topic written belt drive, chain drive and all. ठीक है? So always remember while calculating the speed ratio of the belt drive, you should write driven RPM upon driver RPM. Yes. क्या जाएगा? Which of the following is not correct? In respect of the V-belt, it is used where the distance between the driver and driven pulley is large. In case of large distance, we cannot use V-drive. Yes, अगर distance बहुत ज़्यादा है, तो आप V-drive use नहीं कर सकते, ठीक है? Next path है. In flat belt drive, the condition for maximum transmission is given by where T maximum, where T is the maximum tension and TC is the centrifugal tension in belt. Where T is the maximum tension and TC is the centrifugal tension in belt. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है और मुझे लग रहा है ये MPPGCIL JEE में कल आएगा, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन MPPGCIL JEE में कल आने वाला है, पक्का देख लेना, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, 99% आई एम गोइंग टू टेल यू, ये क्वेश्चन एग्जाम में कल आएगा MPPGCIL JEE में। इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू 3TC, कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू 3TC आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम टेंशन क्या होता है? Thrice of the centrifugal tension, क्या होता है? Thrice of the centrifugal tension. चलिए, which of the following drive is used for transmitting power without slip? इनमें से कौन सी drive ऐसी है जो without slip power transmission करती है? क्या belt है? क्या rope है? क्या cone है? क्या chain drive है? बताइए सर। So without power, without slip power transmission जो करती है वो है chain drive है, और क्या है? Gear drive है, chain drive है, और क्या है? गियर ड्राइव है। ये सब विदाउट पावर, विदाउट स्लिप के पावर ट्रांसमिशन करती हैं, विदाउट एनी पावर लॉस, विदाउट एनी स्लिप। यस, इन बेल ड्राइव पावर ट्रांसमिटिंग इज गिवन बाय वेयर टी टी एंड टी एस एंड वी आर टाइट साइड टेंशन, स्लैक साइड टेंशन एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट रेस्पेक्टिवली, इट इज गिवन बाय। पावर ट्रांसमिशन बच्चे क्या होता है? देखिए, टाइट साइड और स्लैक साइड आपको लेना है ना। देखिए, ये है आपका, मान लीजिए कोई पुली, यहां पर एक पुली है,
यहां पर एक पुली है, आपने इसको कर दिया बेल्ट से कनेक्ट, बेल्ट से आपने कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ये थोड़ा सा लूज साइड है, दिस इज लूज साइड मींस स्लैक, दिस इज वेरी टाइट साइड, ये क्या है टाइट साइड, क्या जाएगा। सो डिफरेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स, सो डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन टाइट एंड स्लैक साइड विल गिव यू द रिजल्टिंग फोर्स। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका हो जाएगा रिजल्टिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। रिजल्टिंग फोर्स कहां से मिलेगा, टाइट साइड माइनस स्लैक साइड से इंटू वेलोसिटी। तो ऑप्शन कहां आने वाला है, ऑप्शन आने वाला है थ्री। ऑब्वियसली ऑन द टाइट साइड डियर, ऑब्वियसली ऑन टाइट साइड। अ कॉलम इज हिंज्ड एट बोथ एंड्स। गाइज जो बच्चे एमपीपीजीएसएल जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बार गलती मत करना, इस बार गलती मत करना। मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं याद रखेगा, जो मैंने आपको बताया है फिक्स वाला, जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, वो कब वैलिड है, जब डिनोमिनेटर में एल होगा। डू नॉट कंफ्यूज व्हेन द एलई इज गिवन, बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी अटेंटिव व्हेन द एलई इफेक्टिव लेंथ इज गिवन, बिकॉज वट एवर द ट्रिक आई हैव टोल्ड यू दैट इज फॉर एल लेंथ, नॉट फॉर इफेक्टिव लेंथ। So remember, be serious and be attentive, because question में अगर effective length पूछ लिया तो आपसे mistake फिर से हो जाएगी। A column is hinged at both ends and critical load is W. Now, if the end of this column is made fixed and the other made free, then the critical load will be. बताइए बच्चे क्या आंसर आ जाएगा? देखते हैं कौन आंसर कर पाता है जल्दी। बताइए बताइए, W बाय 4, कोई कह रहा है 3, B। देखिए बच्चे मैंने आपको क्या तरीका बताया है, मैंने आपको क्या बताया है, आइलर्स क्रिपलिंग लोड इट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, इट इज L स्क्वायर नॉट LE स्क्वायर। वट एवर द ट्रिक आई एम गोइंग टू टेल यू, बिकॉज दिस इज फॉर एल स्क्वायर नॉट इफेक्टिव लेंथ, ओनली फॉर एल, ठीक है। नाउ जब देखिए बच्चे क्या बोला कि आपसे बोला इसने क्वेश्चन में, आपसे इसने क्वेश्चन में बोला कि जब दोनों हिंज है, वेन बोथ हिंज, जब दोनों हिंज है, बोथ हिंज, दोनों जब हिंज है तो कोएफिशियंट क्या आएगा, कोएफिशियंट आता है वन, क्या आता है वन, यानी कि यू शुड राइट हियर वन जब दोनों हिंज है। सेकेंड केस, नाउ वन फिक्स, एक क्या है फिक्स, एक क्या है फ्री, एक क्या है फिक्स, एक क्या है फ्री, कोएफिशिएंट क्या आएगा वन बाई फोर, कितना आएगा कोएफिशिएंट वन बाई फोर। नाउ बोथ फिक्स, जब बच्चे दोनों फिक्स हैं, दोनों फिक्स हैं, कोएफिशिएंट कितना आएगा टू, सो थर्ड केस में कितना आएगा कोएफिशिएंट टू आएगा। नाउ और एक क्या बचा, एक फिक्स है एक हिंज है, नाउ वन फिक्स वन हिंज, वन फिक्स और वन हिंज, अच्छा सॉरी दोनों फिक्स है कितना आएगा फोर आएगा, दोनों बोथ फिक्स कितना आएगा फोर, और वन फिक्स वन हिंज कितना आएगा टू आएगा। तो यहां पे फोर्थ केस में कितना आ जाएगा टू आएगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, मेड फिक्स एंड अदर मेड फ्री, तो कितना आ जाएगा अदर मेड फ्री, फिक्स और फ्री, फिक्स और फ्री कितना आ जाएगा डब्ल्यू बाई फोर, इट इज ऑप्शन डी, नो इट इज नॉट टू डब्ल्यू, इट इज ऑप्शन डी डब्ल्यू बाई फोर। But remember guys, this is only valid when it is L, effect not effective length, it is L. You can't get it, okay, when both the ends are hinged then the end fixity coefficient is 1 here, when both is fixed it is 4 here, when one fix one free it is 1 by 4 here, when one hinge one fix it is 2 here, but this you will write only when it is length not effective length, when it is effective length you should write the effective length in terms of length, okay, so remember that। agle question baat hai, for a column of length L hinged at both ends, if the flexural rigidity is EI, then the critical load PCR is given by।
बोथ हिंज्ड, हां इन क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चे, वन फिक्स, एक फिक्स है और अदर फ्री है, तो एक फिक्स है एक फ्री है तो वन बाई फोर आएगा ना, तभी तो लिखा ना डब्ल्यू बाई फोर, डब्ल्यू बाई फोर तभी तो लिखा वन बाई फोर। इसमें क्या पूछा, फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हिंज्ड एट बोथ एंड्स इफ द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज ई आई देन द क्रिटिकल लोड इज गिवन बाय, क्या होता है दोनों फिक्स है बच्चे तो दोनों हिंज है, क्रिटिकल लोड क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। दिलीप जी ए नहीं होगा बी होगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लच इज यूज्ड इन अ ट्रक, ट्रक में या किसी ऑटोमोबाइल में जनरली वी यूज इन एनी ऑटोमोबाइल और इन एनी ट्रक, ऑटोमोबाइल किसी भी ऑटोमोबाइल में वी यूज सिंगल प्लेट क्लच, वी यूज सिंगल प्लेट क्लच इन एनी ऑटोमोबाइल और ट्रक, रिमेंबर दैट वी यूज सिंगल प्लेट क्लच इन एनी ऑटोमोबाइल और ट्रक और बसेस एटसेट्रा। कौन सा क्लच यूज करते हैं बच्चे, सिंगल प्लेट क्लच। गाइज टूडे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन डीप बिकॉज टूडे इज योर लास्ट डे फॉर एमपीपीजीएल जेईई, so if I will keep explaining the question it will take much time and we can't cover so many questions, to aaj main zyada explain nahi karunga kyunki agar explain karenge to time bahut zyada lag jayega aur question bahut kam ho payenge, to ultimate aim jo hai wo kya hai, kal aapka exam hai, kal question aapko tick karna hai sahi chahe jaise, chahe question aapko samajh mein aa raha ho chahe na samajh mein aa raha ho, agar answer sahi lag gaya to lag gaya hai ki nahi, answer agar sahi lag gaya to lag gaya, to zyada deep mein aaj nahi jayenge, thoda sa somwar se fir se bilkul ha सोमवार से गाइज, फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बार्क सेशन एंड देयर अगेन वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन फ्रॉम वेरी बेसिक्स। पॉजिटिव क्लच गाइज, एनी हाउ यू हैव टू टिक द क्वेश्चन टुमारो, एनी हाउ यू हैव टू टिक द क्वेश्चन, डजंट मैटर वेदर यू नो अबाउट द क्वेश्चन और यू डोंट, सपोज दैट दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन एग्जाम, पॉजिटिव क्लच इज अनदर नेम फॉर, यू हैव टू टिक डॉग क्लच, दैट्स इट, वेदर यू नो अबाउट दिस और नॉट, जस्ट टिक द आंसर करेक्टली, यू विल गेट द पॉजिटिव मार्क। तो बच्चे क्या होता है पॉजिटिव क्लच को हम और क्या बोलते हैं, डॉग क्लच, पॉजिटिव क्लच क्या बोलते हैं, डॉग क्लच। नेक्स्ट बात है, द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी फॉर डिस्क क्लचेस स्टेट्स दैट, बताइए बच्चे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी फॉर डिस्क क्लचेस स्टेट्स दैट, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी फॉर डिस्क क्लचेस स्टेट्स दैट बताइए बताइए फास्ट, गाइज लिसन देर आर टू थियरीज, वन इज यूनिफॉर्म थियरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी मीन्स प्रेशर इज यूनिफॉर्म मीन्स प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, सो यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी इट स्टेट्स दैट यूनिफॉर्म प्रेशर, अंडरस्टैंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, pressure is constant, but here in uniform wear theory it states that the pressure into radius is constant, means pressure is inversely proportional to radius, pressure is inversely proportional to radius, option 3 will be correct, option 3 will be correct, bahut badhiya, kya jayega pressure inversely proportional to radius, in multiple disc clutch if there are 6 discs on the driving shaft and 5 discs on the driven shaft then the number of pairs of the contact surfaces will be equal to, chalo bachche to jin jin ka exam hai un sabko bahut all the best wishes aap sabhi ko kal ke exam ke liye, aur session ko fatafat share kar de doston ke sath taki jo aapke sath jane wale log hain unko bhi mil jaye iska thoda sa advantage, and guys yes don't forget we are going to have the mechanical analysis like MPPGCIL JEE analysis for mechanical engineering that will be starting at sharp 10:20 am tomorrow, कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, नहीं अभिषेक चौहान जी 11 नहीं आएगा, गाइस लिसन मल्टीपल डिस्क क्लच देयर आर 6 डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट, गाइस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू इट इज योर ड्राइविंग शाफ्ट, यहां पे कितने डिस्क है 1 2 3
चार पांच छह, कितने डिस्क है? सिक्स डिस्क। किस पे? ड्राइविंग शाफ्ट पे। अब आते हैं ड्रिवन शाफ्ट पे। ड्रिवन शाफ्ट पे कितने डिस्क है बच्चे? पांच। एक दो तीन चार एंड पांच, फाइव। नाउ हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, कितने कॉन्टेक्टिंग पेयर है यहां पर? जरा गिनिए। वन पेयर, टू पेयर, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। कितने पेयर कॉन्टेक्ट में है? टेन पेयर कॉन्टेक्ट में है। कितने आ जाएंगे? टेन। बस ऐसे बना लो, सिंपल है। नो डियर, देयर विल बी नो मैराथन टुमारो। आई थिंक एज पर द न्यूज, एज पर द रिसेंट अपडेट, देयर विल नॉट बी एनी क्लास टुमारो। आई थिंक टेक अ रेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड बिटवीन द इंजन एंड गियरबॉक्स? इंजन और गियरबॉक्स में क्या माउंटेड होता है बताइए। ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द इंजन एंड गियरबॉक्स? आंसर गाइस फास्ट, जल्दी जल्दी। जस्ट गिव मी वन मिनट। यस डियर, इट इज क्लच, इट इज क्लच। इंजन एंड गियरबॉक्स के बीच में प्रोपेलर शाफ्ट आती है। प्रोपेलर शाफ्ट इज माउंटेड बिटवीन इंजन एंड गियरबॉक्स। प्रोपेलर शाफ्ट नहीं, क्या? क्लच। डिफरेंशियल इज नॉट इंस्टॉल्ड बिटवीन इंजन एंड गियरबॉक्स। इनसाइड गियरबॉक्स देयर इज डिफरेंशियल, ओके? एंड चलिए, तो क्या आ जाएगा? क्लच आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द स्टीम नोजल? Guys, we have taken the question from all the sections which is mentioned in the syllabus of MPPSL JEE. I have taken the questions from all the sections. तो सारे सेक्शन से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूँ और आप सभी जम के करिए इसका आंसर, ठीक है? अगर आपको करना है MPPSL JEE पर प्रहार तो ठीक है, क्या आ जाएगा? ए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द स्टीम नोजल? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इंक्रीजेस द एग्जिट वेलोसिटी। फ्रिक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस द वेलोसिटी एट एग्जिट। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन द वेलोसिटी एट एग्जिट विल ऑलवेज डिक्रीज, इट कैन नेवर इंक्रीज। If you are having frictions in your life, my dear friend, believe me or not, you can never ever gain velocities. If you are having friction in your life, my dear friend, you believe it or not, but this is absolutely true, you will never ever gain the velocity in your life. So try to reduce the friction up to minimum, because you cannot reduce friction up to zero. But jahan tak possible hai, try to reduce friction in your lives. Okay? Taki aapka jo jeevan hai, wo friction free chale aur aap exit velocity ko badha paye. The critical pressure ratio for maximum discharge of steam through a nozzle when the steam is initially superheated. बताइए बताइए. Initially superheated. Steam is initially superheated. There are two conditions, superheated and dry saturated, basically. बताइए क्या जाएगा? बताइए डियर, इनिशियली सुपरहीटेड एंड ड्राई सैचुरेटेड, बताइए क्या कंडीशन आएगी? ओके, इफ द स्टीम इज सुपरहीटेड, if the steam, you know the critical pressure ratio, yeah, critical pressure ratio P2 by P1, you already know that this is 2 upon n plus 1 to the power n upon n minus 1, okay? N, the value of n, it is for either you can take dry saturated, dry
सैचुरेटेड स्टीम, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1.135, एंड इफ द स्टीम इज सुपर हीटेड n इज इक्वल टू 1.3, सो पुट 1.135 हियर, यू विल गेट हियर आंसर 0.456. इफ द स्टीम इज सुपर हीटेड ड्राई सैचुरेटेड क्या जाएगा, इफ द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड यू विल गेट आंसर दिस इज फॉर ड्राई सैचुरेटेड ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ओके नेक्स्ट इन अ स्टीम पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर वेरी फेमस क्वेश्चन आंसर गाइस द रीहीट फैक्टर विच इज termed as cumulative heat drop upon isentropic heat drop. Cumulative heat drop upon isentropic heat drop. This is known as reheat factor, RHF. It is ranging from 1.1 to 1.5. Option कहाँ है? Option है C में. Yes. Considering the variation of the static pressure and absolute velocity in an impulse steam turbine across one row of moving blades, बताइए, steam turbine में, impulse turbine में steam आपकी expand हो रही है in moving blade. So what will happen in moving blade? Dear, there is no pressure drop in moving blade of impulse turbine. Impulse turbine ki moving blade mein, there is no pressure drop, there is no enthalpy drop. Therefore, the degree of reaction of impulse turbine is going to be zero. Impulse turbine ke moving blade mein koi bhi pressure ka drop ya enthalpy ka drop nahi hota. Is wajah se, impulse turbine ki jo degree of reaction hoti hai, dear, wo kya ho jati hai? Zero ho jati hai. Kya ho jati hai? Zero ho jati hai. Thik hai? Zero ho jati hai. क्योंकि इंपल्स टर्बाइन के मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का एंथैल्पी का ड्रॉप नहीं होता, इसीलिए डिग्री ऑफ रिएक्शन स्टीम इंपल्स टर्बाइन की जीरो हो जाती है. डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन 50%, हीरोस टर्बाइन 100%. तो क्या जाएगा इन मूविंग ब्लेड, इन अक्रॉस द मूविंग ब्लेड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल वेलोसिटी डिक्रीजेस. नो, इन मूविंग ब्लेड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, but after at the exit of the moving blade velocity will be decreasing. kya jayega, velocity will be decreasing. theek hai, next both pressure and velocity of steam drops in moving blade of Yes, guys. Moving blade में प्रेशर का ड्रॉप, इमीडिएटली रिमूव इंपल्स. मूविंग ब्लेड में जहां प्रेशर का एंथैल्पी का ड्रॉप दिखे, एंथैल्पी प्रेशर का ड्रॉप दिखे, इमीडिएटली रिमूव इंपल्स, डिलीट इंपल्स. इट इज रिएक्शन टर्बाइन. कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन इज डन टू बताइए गाइस, व्हाई वी आर गोइंग फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन. स्टीम टर्बाइन की कंपाउंडिंग हम क्यों करते हैं गाइस? स्टीम टर्बाइन की कंपाउंडिंग हम इसलिए करते हैं, कंपाउंडिंग मींस टू एक्सपैंड द स्टीम इन सीरीज, टू एक्सपैंड द स्टीम इन मल्टीपल स्टेजेस, लाइक प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग. इट इज डन टू रिड्यूस द रोटर स्पीड. क्या करते हैं, रोटर की स्पीड को हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, टर्बाइन की कंपाउंडिंग करते हैं. टू रिड्यूस द, बहुत बढ़िया, टू रिड्यूस द, नहीं बच्चे मनीष पवार जी, इसका आंसर 4 नहीं होगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द रोटर की स्पीड. जो रोटर की स्पीड है उसको घटाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्बाइन की कंपाउंडिंग करते हैं. क्या करते हैं, टर्बाइन की कंपाउंडिंग, टू रिड्यूस द रोटर स्पीड. क्या करेंगे, टू रिड्यूस द रोटर स्पीड. क्लियर, नेक्स्ट. In a nozzle, steam is flowing. If the back pressure is equal to the critical pressure, the mass flow rate of the steam is.
अगेन आई एम गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. नॉजल पे, इन केस ऑफ अ नॉजल हियर, हियर द हियर एट द थ्रोट द प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर, द प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर एंड द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम हियर. द वेलोसिटी इज सोनिक एट थ्रोट. अगेन आई एम गोइंग टू राइट, दिस इज योर कन्वर्जेंट सेक्शन, दिस इज डाइवर्जेंट सेक्शन, दिस इज योर थ्रोट. इन कन्वर्जेंट मैक नंबर इज लेस देन वन, हियर इट इज सब सोनिक. क्या आ जाएगा? सब सोनिक. हियर मैक नंबर इज ग्रेटर देन वन, द फ्लो इज सुपर सोनिक एट थ्रोट मैक नंबर वन. क्या आ जाएगा? सोनिक फ्लो. क्या जाएगा? सोनिक फ्लो. गाइज अगर कभी आपसे पूछा जाए, हो सकता है मे बी दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी गिवन इन द एग्जाम लाइक डी ए बाई ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द नॉजल इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी इंटू वन माइनस एम स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉजल, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया वेलोसिटी एंड मैक नंबर. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी एंड मैक नंबर ऑफ द नॉजल. ठीक है, तो इट विल बी मैक्सिमम. क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. In a nozzle designed for maximum discharge conditions, the flow velocity in convergent section of the nozzle दोस्त आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम योर ओन. ओके, हियर द फ्लो वेलोसिटी इन कन्वर्जन सेक्शन, द वेलोसिटी विल बी सबसोनिक, मींस मोर देन सोनिक बट लेस देन सोनिक, लेस देन सोनिक, सबसोनिक. इट इज सबसोनिक वेलोसिटी. किसमें? कन्वर्जन सेक्शन में सबसोनिक. सोनिक कहां पे आएगी? थ्रोट पे. कहां पे आएगी? थ्रोट पे. सुपरसोनिक कहां पे आएगी गाइज? आपका डाइवर्जेंट सेक्शन में. कहां आएगी? डाइवर्जेंट सेक्शन. Consider the following related to a nuclear power plant. As I have told you, I have taken the question from all topics. पढ़िए और आंसर करिए. Consider the following related to nuclear power plant. It works on the principle of controlled chain reaction. The moderator's function is to slow down the fast moving secondary neutron produced during fission. बहुत बढ़िया बच्चे, yes, दोनों सही है. The nuclear power plant जो है वो किस पे काम करता है? Controlled chain reaction के principle पर. क्योंकि if the reaction is uncontrolled, then the whole power plant will be boom. पूरा power plant क्या हो जाएगा? Boom हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Boom हो जाएगा. तो अनकंट्रोल्ड चेयर रिएक्शन बहुत खतरनाक चीज होती है. अगर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर पावर प्लांट कैसे लगा पाएंगे? जो लोग वहां पे हैं वो मर जाएंगे, है ना? इतना ज्यादा रेडिएशन होगा कि वो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें खतरनाक हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं. यूरेनियम 235, प्लूटोनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स वगैरह यूज कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? हम उसको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में रखेंगे. और क्या होगा? जो मॉडरेटर का जॉब होता है वो क्या करता है? स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, स्लो डाउन करता है, मॉडरेट करता है. स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करता है? मॉडरेट करता है. यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा. यस डियर, इट इज कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. यस, which of the following can result in large amount of energy production? Yes, 1 kg of uranium. Guys, the energy obtained from 1 kg of uranium 235. 1 kg uranium 235 release karta hai energy equal to 3000 tons
3000 टन्स ऑफ प्रीमियम कोल, 3000 टन्स ऑफ प्रीमियम कोल, एक किलोग्राम यूरेनियम जब फिजन में जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज करता है दैट इज इक्वल टू 3000 टन्स ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कोल, एंड देयरफॉर द फ्यूल हैंडलिंग इज वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड हियर. यू डोंट हैव टू हैंडल सच ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल. Therefore, the size of the nuclear power plant as compared to the thermal power plant is smaller. The size of the nuclear power plant as compared to thermal power plant is smaller because in thermal power plant, you are going to handle huge amount of coal. But here in nuclear power plant, you are not going to handle huge amount of coal. Instead, you are going to use the small uranium. Yani ki, jo nuclear power plant hai, uski size jo hoti hai, thermal power plant se choti hoti hai, kyunki thermal power plant mein aap bahut zyada coal handle karte hain, lekin nuclear power plant mein utna zyada kam. ग्राम न्यू एक दो चार दस ग्राम यूरेनियम से ही चल जाएगा. तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ यूरेनियम. गाइस दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है. दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वंस इट इज आस्क्ड इन एग्जाम. 1 kg ऑफ यूरेनियम एनर्जी इक्वल टू 3000 टन्स ऑफ कोल. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्रीडर रिएक्शन. अब ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं बच्चे, उनमें से कौन सा सच है बताइए. जो ब्रीडर रिएक्टर है उनमें इनमें से कौन सा सच है. इन ब्रीडर रिएक्टर ओनली द कंजम्पशन ऑफ फिजनेबल मटेरियल टेक्स प्लेस. इन ब्रीडर रिएक्टर फिजनेबल मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल इट जनरेट्स एनर्जी. ब्रीडर रिएक्टर में देयर इज फिजन एंड बिकॉज ऑफ द फिजन द एनर्जी रिलीजेस. इन ब्रीडर रिएक्टर देयर इज फिजन एंड बिकॉज ऑफ दिस फिजन द एनर्जी जनरेट्स. ठीक है बच्चे, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे, अलग अलग टाइप के रिएक्टर हैं. आपने पढ़ी होंगी नाभिकीय भट्टियां, तो अलग अलग टाइप के रिएक्टर सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. इनमें से न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेरिट कौन सा है, इनका गुड कौन सा है, इनका गुड कौन सा है. आई जस्ट हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर दिस क्वेश्चन. As compared to thermal plant, the space required for nuclear power plant is less because of the low fuel handling. बहुत ज्यादा excessive fuel आपको handle नहीं करना. 3000 ton coals के बराबर तो 1 kg uranium दे रहा है. You just have to handle 1 kg of uranium. Let us say it will be equivalent to 3000 tons of the coal. You will be free from the excessive fuel handling. Therefore, the space required is very less. In terms of power generating capacity, dash is the most powerful source among the following: coal, nuclear, crude oil, or natural gas. Obviously, this is having the premium quality of the fuel. Nuclear bomb. A bomb dropped in 1945. In Japan, 6th of August and 9th of August, respectively on Hiroshima and Nagasaki, a particular nuclear bomb. Kitna bada effect create kiya isne, kitna jan hani pahunchayi, massacre kiya, mass murder kiya, hai na, kitna zyada nuksan log pahunchaya. Aur aisa kaha jata hai, I am not sure, but aisa kaha jata hai ki aaj bhi wahan pe radiation ke effect even today present hai. Theek hai, so it is having most powerful fuel, dangerous fuel. Yes. Which country has developed the world's first floating nuclear plant? Bataiye sir. Which country has developed the world's first floating nuclear plant?
यस 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 कौन डेवलप कर सकता है? क्या पाकिस्तान डेवलप कर सकता है? क्या पाकिस्तान डेवलप कर सकता है? क्या क्या पाकिस्तान बना सकता है? क्या गाइज, इट इज इन 2018 बाय रशिया इन 2018 इट इज नोन एज एकेडमिक द स्पेलिंग इज लाइक दिस एकेडमिक लोमोनोसोव एकेडमिक लोमोनोसोव लोमोनोसोव वॉज एक्चुअली अ साइंटिस्ट ही वॉज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट लाइक उन्हीं के नाम पर इसको एस्टैब्लिश किया गया इन 2018 में एंड रशिया ने इसको सबसे पहले बनाया फ्लोटिंग पावर प्लांट नेक्स्ट अरे वो भी नहीं बना पाएगा खाने का जुआड़ हो जाए पहले बम क्या बनाओगे दूसरों को मारने से पहले खुद के अंदर एनर्जी होनी चाहिए ना भाई अब अगर तुम झांसी की रानी से लड़ने जाओगे तो डंडा लेके तो जाओगे नहीं हथियार होना चाहिए ना भाई इन कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम यानी कि कैंडू रिएक्टर इन कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर अ नेचुरल यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर कैंडू रिएक्टर क्या है एक नेचुरल यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम को हम क्या करते हैं एज अ फ्यूल यूज करते हैं द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट इज परफॉर्म बाय द हेवी वाटर लाइक रिमेंबर गाइस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द हेवी वाटर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर The primary fuel used in nuclear power plant is बताइए डियर द प्राइमरी फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आंसर फास्ट एवरीवन आंसर गाइस फास्ट जल्दी जल्दी The primary fuel used in nuclear power plant is uranium 235. Next. Answer guys fast. The coolant used in boiling water reactor is mixture of water and steam. It is a mixture of water and steam. This is used as coolant. Wasn't the uranium enrichment is nothing. It is a process like when you mine uranium from the earth, when you extract the uranium from the earth, then you go for the various processes so that you can enrich the content of uranium 235 in that fuel you are going to enrich the uranium 235 in that mined uranium the uranium which you have mined from the earth so in that uranium you want to increase the content of 235 because this is the best fuel for the uranium this is called basically the uranium enrichment okay which of the following is the largest compounding of solar energy bataiye yes Guys, green plants, they absorb the solar energy and they convert this into the chemical energy. आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और वाटर की उपस्थिति में प्रेजेंस में पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं ऐसा बोलते हैं तो पौधे क्या करते हैं सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं दे आर द बेस्ट सोर्स कि सोलर एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बेहतर सोर्स होते हैं In cooling tower, the heat is dissipated mainly by
कूलिंग टावर द हीट इज डेसिपेटेड मेनली बाय इवेपोरेशन, इससे इवेपोरेशन से कूलिंग टावर में जो हम हीट डेसिपेट करते हैं मेनली दैट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. कूलिंग टावर द हीट डेसिपेटेड मेनली बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन. क्लियर, इट इज द इवेपोरेशन. नेक्स्ट पैटर्न, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं डियर. फोटोकेमिकल स्मोक किससे बनता है? लक्ष्मीकांत जी वेलकम टू द सेशन, बहुत दिनों बाद आए आप, बहुत दिनों बाद. आई रिमेंबर योर नेम, बहुत दिनों बाद आए आप. वेलकम टू द सेशन, हाउ आर यू डियर. ओके, फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई? नॉक्स और एचसी, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन, या फिर सूट एंड पार्टिकुलेट. सूट मींस गाइस इट इज अ काइंड ऑफ डर्ट, लाइक अनबर्न पार्टिकल्स, ब्लैक पार्टिकल्स, सूट काइंड ऑफ. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस CP2. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? नॉक्स एंड एचसी. क्या आ जाएगा? नॉक्स. गाइज फोटोकेमिकल स्मोक is mainly caused by the presence of NOx, but yes it is also caused by the presence of hydrocarbon. Main compound, जो main reason है वो क्या है? NOx. लेकिन HC से भी होता है और NOx से भी होता है. ज्यादा किससे होता है? तो NOx से ज्यादा होता है. Next, चलिए बताइए. बताइए. आंसर करते हैं सब लोग फास्ट. द डिस्चार्ज थ्रू, गाइज रिमेंबर द फॉर्मुलेज ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर, वी नॉच, सिपॉलिटी वेयर. इन सब के फॉर्मुलेज आप याद रख लेंगे. ट्रायंगुलर नॉच, ठीक है. यस yes, क्या जाएगा? तो डिस्चार्ज थ्रू अ वी नॉच वेयर वेरीज एज वेयर. देखिए गाइस, डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच, इस वी नॉच को हम ट्रायंगुलर नॉच भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल दिस एज अ ट्रायंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच. तो इन केस ऑफ वी नॉच और ट्रायंगुलर नॉच द डिस्चार्ज इज गिवन एज 8/15 CD अंडर रूट 2G H^5/2 tan θ/2 H^2, ठीक है. हाँ, अभी सबका आएगा सूर्यांश, अभी सबका आएगा, बारी बारी सबका आएगा. इसका मैंने लिख दिया ना, बारी बारी सबका आएगा. सो इट इज 8/15 CD 2G/2G H^5/2 tan θ/2. दिस इज द डिस्चार्ज फॉर वी नॉच और ट्राइंगुलर, वी नॉच और ट्राइंगुलर. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू H^5/2. क्लियर. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैटर्न. द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच. देखिए मैं आपको बारी बारी सबका बता दूंगा, तो आप देखते रहिए बस ध्यान से और करते रहिए. डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच, बताइए क्या आएगा? थ्री बाय टू नहीं डियर, 2/3. इट इज 2/3, नॉट 3/2. ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब 2/3 ये है, सॉरी 2/3 इज दिस. मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा यहां पर. 2/3 CD अंडर 2G H^3/2. एक्चुअली मेरे को ये लगा, मैंने ये बोला 2/3. दिस इज द कोएफिशिएंट 2/3. सो दिस इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द रेक्टेंगुलर नॉच. लिसन वेरी केयरफुली. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 3/2. किसके आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2. अब एक चीज यहां पर और देखिए, There is a next wear. The next आपसे पूछ सकता है कि trapezoidal, क्या trapezoidal section का, trapezoidal notch का क्या हो जाएगा? trapezoidal. So guys, what is trapezoidal section? It is kind of this kind of section. It is known as trapezoidal. ना,
सो इट इज हैविंग बोथ सेक्शन. लिसन ट्रेपेजॉइडल आपको बनाना है, देखिए यहां पर ऐसे और यहां पर कुछ ऐसा. थोड़ा सा इसको मैं और टिल्ट करता हूं, कुछ ऐसा ट्रेपेजॉइडल काइंड ऑफ. सो दिस इज हैविंग बोथ सेक्शन, वन रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड वी नॉच, वी नॉच, वी नॉच रेक्टेंगुलर सेक्शन. सो व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन? इट इज द सम ऑफ दिस, सम ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, सम ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल बोथ कंबाइंड क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज फ्रॉम अ दिस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. नेक्स्ट. यस, बहुत बढ़िया. द डिस्चार्ज ओवर सिपोलिटी वेयर. अब सिपोलिटी वेयर का आप जानते हैं, सिपोलिटी वेयर जो है उसका आप डिस्चार्ज जानते ही हैं फॉर्मूला, बट फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं गाइस, मैं फिर भी यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं. दो का मैंने बता दिया, तीन का मैंने बता दिया, वी नॉच, रेक्टेंगुलर नॉच और ट्रेपेजॉइडल का. सिपोलिटी का मैं बता दे रहा हूं आपको, सिपोलिटी का जो डिस्चार्ज है वो क्या होता है, 1.84 LH, 1.84 LH, LH टू द पावर 3/2. 1.8, दिस इज अ डिस्चार्ज फॉर्मूला फॉर सिपोलिटी वेयर. ओके, तो 1.84 L कितना दिया है गाइस? 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर मींस 2 मीटर इनटू हेड. कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर. 1 to the power 3/2. 1.84 इनटू 2, इट इज 3.68. 3.66 कहां गया? 3.66. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. Which statement about notch and wear is true? Which statement about notch and wear is true? बताइए बच्चे, दो घंटे की लगातार मैराथन है, सब लोग फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे और कल आप सभी का एग्जाम है, तो उससे पहले इस सेशन को जरूर अटेंड करिए और यहां पे आप ये क्वेश्चन फंसेंगे जरूर गाइस. बहुत बढ़िया. कौन सा इनमें से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेयर फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड नोच फॉर स्मॉल डिस्चार्ज? वेयर जो हम लेते हैं गाइस वो बड़े डिस्चार्ज को नापने के लिए और नोच हम स्मॉल डिस्चार्ज को नापने के लिए यूज करते हैं. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट. The most common device for measuring discharge through channel. No dear, pitot tube used to measure for discharge. Pitot tube measures discharge. Current meter measures discharge. No, current meter measures the velocity. Pitot tube measures the dynamic head, stagnation head. It is the Venturi flumes. It is the Venturi flumes which measures the discharge in channels. Discharge, the most common device for measuring the discharge through the channel, it is Venturi flumes. It is not current meter or pitot tube, it is Venturi flumes. ठीक है, next बात है. चलिए next बात है. If the level of water H above the base point of V notch is increased by 4 times, V notch में पूछा है, yes. If the level of water H above the base point of V notch is increased by 4 times, the discharge through the notch will become D. Very simple. You know that. Again, I am going to write here. मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ. I am going to write it again and again so that you can memorize it directly. V notch or triangular notch discharge. Again, I am going to write 8/15
सी डी अंडर रूट टू जी एस टू द पावर 5/2 टेन थीटा बाय ठीक है. सो मीन्स हियर q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 5/2 मीन्स q2 by q1 इट इज इक्वल टू h2 by h1 टू द पावर 5/2. नाउ आपसे बोला कि हेड अबव द बेस पॉइंट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स मीन्स हियर h2 is 4 times h1 गिवन इन द क्वेश्चन. h2 by h1 is 4. It is 4 to the power 5/2. How to write this? 4 means 2 ka square to the power 5/2. 2 will be cancelled. 2 to the power 5. What will be the answer here? 32. Kya jaega 32? Means Q2 is equal to 32 Q1. Q2 is equal to 32 Q1. During normalizing process of steel, the specimen is heated. During normalizing process of steel, the specimen is heated above UCT and cooled in steel air. Above UCT and cooled in the furnace, kisme? Yes, it is above the. What is guys? What is UCT? Option is 1. What is upper critical temperature? The lower critical temperature of steel is 723 degrees Celsius, or in some textbook it is also written 727 degrees Celsius. In some textbook it is written 723, and in some textbook it is written 727, but generally we take 723. So 723 degrees Celsius kya hota hai? LCT, lower critical temperature, wo critical temperature hai, wo temperature hai from where the changes starts in steel when it is heated. जब आप स्टील को हीट करते हैं उसमें से चेंज होना शुरू हो जाते हैं कहां पे 723 पे, उसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर. और जहां पे चेंज होना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर. अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे चेंज होना बंद हो जाता है, उसके बाद हम इसको इसी थोड़ा सा अपर क्रिटिकल के ऊपर थोड़ा सा हीट करते हैं, फिर उसको हम एयर में कूल करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग. और अगर इसको फर्नेस में कूल करते हैं, स्लो कूलिंग इन फर्नेस, इट इज कॉल्ड एनिलिंग. ठीक है, नेक्स्ट. No, Suryans, it is not fixed. It is different for different steel. LCD is fixed, but UCD is not fixed. It is different for different steels. Yes, dear, it is. Yes, you can get it, Prachi, from iron carbide diagram. Yes. Guys, it is not iron carbon diagram. It is not iron carbon diagram. It is actually iron carbide diagram. The process of obtaining spherical grains of Fe3C means cementite in the steel in the process of annealing is known as. Yes, kya bolte hain? The process of obtaining spherical grains of Fe3C in steel. Spherical grain, it is spherodizing. बहुत बढ़िया. क्या बोलते हैं इसे? Spherodizing. क्या बोलते हैं? Spherodizing बोलते हैं. ठीक है, आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन चलते हैं. चलो भाई, चलो आंसर करो. Heat treatment generally हम किस लिए करते हैं? Generally we go for the heat treatment process. Why? Because देखो, आप घर में किसी बच्चे को खिलौना कब देते हो? कोई बच्चा है जिसको आप बहुत प्यार दे, ले 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 खिलौना ले खिलौना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा. खिलौना देते ना बच्चे को, टॉफी, खिलौने, टेडी बियर पकड़ा दिया, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा. क्यों? क्योंकि बेटे को मम्मी ने पहले 3-4 झापड़ दे दिए. मम्मी ने अगर बेटे को 3-4 झापड़ दे दिए, छोटा मतलब बच्चा है, कुछ बहुत ज्यादा गलती कर रहा है, चिल्ला रहा है, मम्मी ने 3-4 झापड़ मार दिए, तो बच्चा चिल्लाने लगता है. क्यों? क्योंकि कोल्ड वर्किंग हो गई उसकी, कोल्ड वर्किंग हो गई, अब उसकी उसके अंदर स्ट्रेसेस हो गई,
अब उसको रिलीव करने के लिए तुम्हें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हीट देनी पड़ेगी। जब एनर्जी लेगा बच्चा तब उसकी स्ट्रेस रिलीव होगी, यानी कि हीट ट्रीटमेंट तब करना पड़ेगा। तो एनर्जी हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हो? स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या हो जाता है? हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? विजिबल विजिबल विजिबल, यस एब्सोल्युटली विजिबल। चल भाई आंसर करो। लास्ट का विजिबल नहीं है। लास्ट का इज एसीबीडी। द लास्ट वन इज एसीबीडी। वन सेकेंड। विजिबल, यस इट इज एसीबीडी। लास्ट वन एसीबीडी। ओके नाउ एनिलिंग बच्चे क्या होता है जरा देखिए। एनिलिंग क्या होता है? एनिलिंग बच्चे क्या होता है? एनिलिंग क्या करता है? डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है। एनिलिंग क्या करता है? डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा डी। क्या लिखूंगा? डी। नाइट्राइडिंग क्या है? सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है। नाइट्राइडिंग एक सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है जिसमें हम स्टील को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? स्टील को हीट करते हैं, तो वहां पे सरफेस पे नाइट्रोजन आके कलेक्ट होता है और वो सरफेस को हार्ड बनाता है, तो क्या बोलते हैं इसे? नाइट्राइडिंग बोलते हैं। तो नाइट्राइडिंग सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है। अच्छा माल्ट टेम्परिंग बच्चे किस लिए करते हैं? माल्ट टेम्परिंग पूरे होल मास को हार्ड करता है, यानी कि थ्रू आउट द मास, पूरा थ्रू आउट द मास, इट इज अ इट हैपेंस फ्रॉम द होल मास। माल्ट टेम्परिंग इट इज काइंड ऑफ बॉइलिंग, रिलेटेड टू बॉइलिंग। एंड नाइट्राइडिंग इट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग हैपेंस थ्रू आउट द मास। बॉइलिंग पूरे मास से होती है और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है। नाइट्राइडिंग इट इज द सरफेस हार्डनिंग फिनोमिना। माल्ट टेम्परिंग थ्रू आउट द मास। तो यहां मैंने लिख दिया बी, नाइट्राइडिंग का कहां गया? सी आ गया। और माल्ट टेम्परिंग का क्या आ गया? बी आ गया। और नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? तो डी सी बी ए क्या जाएगा? डी सी बी ए। डी सी बी ए। नेक्स्ट हाँ राजपूत साहब, नेट थोड़ा सा ट्रेन में दिक्कत करता है। नॉर्मलाइजिंग स्टील की किसलिए करते हैं? यस ग्रेन स्ट्रक्चर भी रिफाइन होता है और स्ट्रेन, जो कोल्ड वर्किंग से जो स्ट्रेन सेटअप हुई है आप उसको भी हटा सकते हैं, उसको भी लालच खिलौना देकर हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिसलोकेशन कॉस्ट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग से अगर कोई डिसलोकेशन हो गया है आप उसको भी हटा सकते हैं, उसको भी खत्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइजिंग। और याद रखें गाइस, नॉर्मलाइजिंग से जो स्टील होता है उसका ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइंड होता है, यानी कि थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ती है। ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइंड होता है यानी कि हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग में कूल किसमें करते हैं? एयर में। और एनिलिंग में किसमें कूल करते हैं? फर्नेस में। As percentage of carbon increases in steel, its dash decreases. Percentage carbon बढ़ेगा तो क्या decrease करेगा? Ductility. Guys, ductility. Ductility. डक्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो डक्टिलिटी घटेगी और घटेगा तो डक्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यस। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील कंटेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हार्डनेस बढ़ेगी, डक्टिलिटी घटेगी, बहुत बढ़िया आशीष। बताइए बताइए सर, ऑस्टेनिटिक स्टील क्या होता है?
क्या हो जाएगा बताइए फास्ट. ऑस्टेनिटिक स्टील ऑप्शन ए क्या जाएगा. अच्छा एक पे तारा मारा जाए, चलो एक पे तारा मारते हैं बच्चे क्या जाएगा. ऑस्टेनिटिक स्टील में गाइस ऑस्टेनिटिक स्टील ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील इट इज हैविंग मिनिमम ऑफ 16% क्रोमियम. मिनिमम ऑफ 16% क्रोमियम सो हियर मिनिमम 16% सो हियर 18% क्रोमियम एंड 8% निकल. इट शुड हैव मिनिमम ऑफ 16% ऑफ क्रोमियम एंड 6% ऑफ निकल. ठीक है 6% ऑफ निकल मिनिमम इट शुड हैव एंड क्रोमियम मिनिमम शुड हैव 16%. सो हियर ऑप्शन इज 18 and 8. मटीरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेस टू रिलीव स्ट्रेसेस. चलो घोष जी आपने कह दिया और हमने ताला मार ही दिया. आज हमने कह दिया हमने ताला मार दिया यार कोई बात नहीं. तुम भी क्या याद रखोगे सर मेरे कहने से कंप्यूटर महाशय को लॉक कर दिया इन्होंने. मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टाइप टू रिलीव द स्ट्रेसेस. किसको 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 करते हैं सी करते हैं डी करते हैं. स्ट्रेसेस को आपको रिलीव करना है गाइस तो जनरली क्या करते हैं स्ट्रेसेस को आपको रिलीव करना है आफ्टर कोल्ड वर्किंग. मोस्ट जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड प्रोसेस है वो क्या है दैट इज एनिलिंग. दैट इज एनिलिंग सर. एनिलिंग इज द मोस्ट यू नो फेनोमिनल प्रोसेस टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस बिकॉज इन एनिलिंग द मटेरियल इज कूल्ड इन फर्नेस स्लोली कूल करते हैं. और एनिलिंग क्या करता है इट इज द मोस्ट इट इज द सबसे ज्यादा हाइप्ड प्रोसेस है सबसे ज्यादा फेनोमिनल प्रोसेस है इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने का. एनिलिंग एक सबसे बेहतर प्रोसेस है ठीक है कंपैरेटिवली इट इज एनिलिंग. इट इज बच्चे नॉट नॉर्मलाइजिंग. अगर यहां पर एनिलिंग ना होता हाँ ओके ठीक है रमेश आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेरी आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट हु इज द बेटर क्रिकेटर विराट कोहली और रमेश पवार. इफ आई विल से विराट कोहली यू विल से सर वाई रमेश पवार इज ऑल्सो क्रिकेटर. यस क्रिकेटर वो भी है बट आई एम आस्किंग अबाउट द बेस्ट प्रोसेस. इट इज द नॉर्मलाइजिंग सॉरी एनिलिंग. इट इज द एनिलिंग. हाँ तो मैं कहां बोल रहा हूं मैं कहां मैंने किधर मना किया रे तेरे को कि नॉर्मलाइजिंग. मैंने बोला क्या नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा. मैंने तो बोला ही नहीं नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा. मैंने नहीं बोला बट बेस्ट प्रोसेस इज एनिलिंग. देर आर वेरियस प्रोसेस फॉर गियर मैन्युफैक्चरिंग. स्टैम्पिंग इज देयर हॉबिंग इज देयर कास्टिंग इज देयर मिलिंग इज देयर है ना. किससे बनाते हैं गियर बेस्ट प्रोसेस हॉबिंग. बेस्ट प्रोसेस हॉबिंग. द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द मार्टेनसिटिक स्टील. यार कौन सा वर्ड है टंग ही ट्विस्ट हो जा रही है. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मार्टेनसिटिक स्टील टू रिड्यूस इट्स ब्रिटलनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस. यानी कि मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है. अब आपको उसकी ब्रिटलनेस थोड़ी सी घटानी है. यू वॉन्ट टू डिक्रीज द ब्रिटलनेस ऑफ द मार्टेनसाइट विच इज वेरी हार्ड ना. कौन सा प्रोसेस आप प्रेफर करेंगे. यस टेम्परिंग इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन डिक्रीज द ब्रिटलनेस ऑफ द मार्टेनसाइट. टेम्परिंग नेक्स्ट पे आ जाता है. ये वो नहीं है बॉल टेम्परिंग जो ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी किया करते थे 2003 के वर्ल्ड कप में बॉल टेम्परिंग या जो पाकिस्तानी करते हैं बॉल टेम्परिंग वो नहीं है ये. टेम्परिंग में गाइस हम स्टील को लो टेम्परेचर तक हीट करते हैं फिर हम एयर में कूल करते हैं. नहीं मैं तो रमेश कभी नहीं करता. मैं तो नाम आपका पहली बार लिया हूं. मैं तो रमेश पवार का ही नाम पहली बार लिया हूं डियर. अच्छा वो आपने याद दिला दिया चलो आज से नहीं बोलेंगे भाई. डैश इज अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस. सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस जो सरफेस को मैक्सिमम हार्डनेस देगा बताइए सर. सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस जो सरफेस को मैक्सिमम हार्डनेस देगा. यस इट इज द
हीटिंग ऑफ द स्टील इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया दैट इज कॉल्ड द नाइट्राइडिंग प्रोसेस. क्या बोलते हैं? नाइट्राइडिंग प्रोसेस. नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग क्वेंचिंग मार्टेनसाइड इज प्रोड्यूस्ड. अब गाइस समझिए, ड्यूरिंग क्वेंचिंग मार्टेनसाइड इज प्रोड्यूस्ड. यस गाइस, आपको अगर मार्टेनसाइड चाहिए, मार्टेनसाइड इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिवली फास्ट कूलिंग. परलाइट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिवली स्लो कूलिंग. बहुत स्लो कूलिंग करेंगे, बहुत धीरे धीरे कूल करेंगे, पर्ल बनेगा, मोती निकल के आएगा. अगर स्लो स्टडी करेंगे, धीरे धीरे किसी चीज को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे तो मोती निकलेगा, यानी कि परलाइट मिलेगा आपको. और बहुत फास्ट भागेंगे जिंदगी में, बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी, हार्ड चीजें आपको मिलेंगी. अगर आप जिंदगी में बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे तो एक जगह टकराएंगे, जरूर टकराएंगे, यानी कि हार्ड चीज से. क्या आ जाएगा? मार्टेनसाइड. तो मार्टेनसाइड आपको क्या मिलेगा? बहुत फास्ट कूलिंग रेट. जब आप रैपिड कूलिंग करते हैं तो मार्टेनसाइड मिलता है, और जब आप स्लो कूलिंग करते हैं, बहुत वेरी स्लो कूलिंग करते हैं, तो आपको परलाइट मिलता है. क्या मिलता है? परलाइट, जिसका स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है. मार्टेनसाइड का स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होता है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशीष, आकांक्षा, मनीष, बहुत बढ़िया. क्या बात. और गाइस, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट मैराथन फॉर MPPGCLJEE एग्जाम. दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट मैराथन एवर फॉर एमपी फॉर दिस सेशन. दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट मैराथन फॉर MPPGCLJEE एग्जाम. इसके बाद कल आप सभी का एग्जाम है मैकेनिकल वालों का, तो मैकेनिकल वालों तहलका मचा देना, और डालना यार एग्जाम को. एग्जाम में क्वेश्चन आसान आएंगे, इसी लेवल क्वेश्चन गाइस एग्जाम में आएंगे. और आप देख लेना MPPGCLJEE में ऑटो साइकिल के बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, केल्विन प्लैंक के, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के आपको मिलेंगे, नॉजल के मिलेंगे, बॉयलर के मिलेंगे, हीट पंप के मिलेंगे, और आपको सिंपल मैकेनिज्म में ग्रेशोफ लॉ, ग्रेबलर्स लॉ, ये सब मिल सकते हैं. बॉयलर की माउंटिंग एक्सेसरीज भी आपको मिल सकती है. डैश इज आर कॉज्ड बाय नॉन मेटालिक इंक्लूजन सच एज सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स. बताइए, अगर नॉन मेटालिक इंक्लूजन हो गया तो क्या मिलेगा इसमें से? बताइए आंसर एवरीवन फास्ट. बताइए, वेल्डिंग का क्वेश्चन है. डैश इज कॉज्ड बाय नॉन मेटालिक इंक्लूजन सच एज सल्फाइड एंड ऑक्साइड. क्या क्रैक मिलेगा अंडरकटिंग या अंडर फिलिंग? लैमिलार टीयर्स. क्या बोलते हैं? लैमिलार टीयर्स. लैमिलार बोलते हैं, लैमिलर बोलते हैं, आप जो भी बोलिए. लैमिनार जानते हैं? लैमिना का मतलब होता है लेयर. ऐसे ही लैमिला का मतलब होता है लेयर. तो लैमिलार टीयर्स बोलते हैं इसे, या लैमिलर टीयर्स बोलते हैं इसे. तो क्या मिलेगा? जब आपका, यानी कि लेयर्स दर लेयर आपका डिफॉर्मेशन होता है, लेयर्स में क्रैक आ जाएंगे. क्या आ जाएगा? अगर इज आर कॉज्ड बाय नॉन मेटालिक इंक्लूजन सच एज सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स. अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग में आपके सल्फाइड और ऑक्साइड घुस गए तो क्या आ जाएगा? लैमिला में, यानी कि जो उसकी लेयर्स है ना, उसमें क्या आ जाएंगे? डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसमें वियर आ जाएगा. उसको बोलते हैं लैमिलर टीयर्स. क्या बोलते हैं? लैमिलर टीयर्स बोलते हैं. नेक्स्ट पे आता, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे जाओ जिंदगी में, तरक्की करो. आशीष कोई बात नहीं, एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल, टू आप सभी को भी बहुत शुक्रिया दिल से कि आप सभी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं. और गाइस जिंदगी में ध्यान रखिएगा कि मेहनत जब आप करते हैं ना, तो आपकी सफलता एक दिन दिखती जरूर है. बस उस चीज को छोड़िए मत. जिंदगी में देखिए एक चीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लूंगा, 10-15 सेकंड. जिंदगी में आप कितने भी बड़े खलीफा हों, कितने भी बड़े सूरमा हो, कितने बड़े खलीफा हो, कितने भी बड़े आप तोप के बाप हो, कड़क बिजली तोप हो, जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आता है, आपकी जिंदगी में आएगा जब आपको लगेगा कि यार दिस इज द टाइम कि आई कांट डू इट. और वही समय होता है संभलने का. जिस समय आपको लगे कि आई शुड गिव अप, उसी समय संभलिए डियर, और जिंदगी आपकी बहुत हसीन हो जाएगी. और ऐसा कई बच्चों ने किया भी है, ठीक है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने DRDO वगैरह क्वालिफाई कर लिया, अभी इसी बार का सेप्टम क्वालिफाई कर लिया, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया टेलीग्राम पे. अगर मैं आपको दिखाऊं, वो भी होपलेस हो चुके थे, उन्होंने तैयारी छोड़ दिया था, बट दे डिड इट, क्योंकि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया. रिमेंबर, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल लाइन एक ही है, द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर
ऑफ माई लाइफ इज लॉर्ड कृष्णा हु सेड दैट कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। सिर्फ कर्म में विश्वास रखो, फल में कहीं भी नहीं। एंड इन एंटायर फिजिक्स, इन एंटायर साइंस, देर इज वन ह्यूज मोटिवेशनल लाइन, दैट इज वेयर एवर देर इज अ कॉन्टिन्यूटी देर इज फ्लो। ये लाइन मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, वेयर एवर देर इज अ कॉन्टिन्यूटी देर इज फ्लो। क्लियर? चलिए, द स्लैग इज नॉट जनरेटेड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। और गाइज ये एंड नहीं है, यस दिस इज नॉट द एंड। यू आर हैविंग सो मेनी एग्जाम्स, लाइक बार का भी एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है, और जो बच्चे बीटेक हैं, जिन बच्चों का परसेंटेज अच्छा है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाइड फॉर टेक्निकल ऑफिसर विदाउट एनी एग्जाम। देर विल बी नो एग्जाम फॉर टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी और साइंटिस्ट बी कैटेगरी, कुछ ऐसा है ना, उसमें कोई एग्जाम नहीं हो, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई। हाँ लक्ष्मीकांत जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही। चलिए, स्लैग इज नॉट जनरेटेड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो बच्चे किसमें स्लैग नहीं मिलता, किस वेल्डिंग प्रोसेस के बाद आपको नहीं स्लैग कैसे नहीं मिलेगा? बच्चे बी में तो जरूर स्लैग मिलेगा। फ्लक्स को स्लैग मिले, फ्लक्स आता कहां से है? ये स्लैग आता कहां से है? जब फ्लक्स मेल्ट होता है वहीं से तो स्लैग आता है। फ्लक्स होगा तो स्लैग आएगा। यस, जीटीएडब्ल्यू में गैस टंगस्टन इनर्ट वेल्डिंग, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में, या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में, जीटीएडब्ल्यू में आपको, टीआईजी में, जीटीएडब्ल्यू आप बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, आप इसे अलग, इसे हेली आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हेली आर्क वेल्डिंग। देखिए बच्चे, इसे जीटीएडब्ल्यू भी बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या इसे हेली आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में हमको ज्यादा इनर्ट गैसेस पता नहीं थी, तो हम वेल्डिंग में सिर्फ हीलियम, हीलियम का यूज करते थे, और आर्क वेल्डिंग थी, तो हीलियम और आर्क को मिला के हेली आर्क वेल्डिंग बना। बाद में इसमें हीलियम और आर्गन वगैरह का भी यूज होने लगा, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, टीआईजी और जीटीएडब्ल्यू यूज कर दिया गया। तो इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रोड आपका नॉन कंज्यूमेबल है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है ही नहीं। शील्डिंग गैस आप अलग से प्रोवाइड कर रहे हो, देयर इज नो फ्लक्स, इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, शील्डिंग गैस यू आर प्रोवाइडिंग सेपरेटली, सो देयर इज नो चांस ऑफ द स्लैग, स्लैग कोई चांस ही नहीं है, है ना। तो जीटीएडब्ल्यू नेक्स्ट। दिलीप जी, बीटेक वाले का एग्जाम सिर्फ ए कैटेगरी में नहीं होगा, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन और साइंटिस्ट बी कैटेगरी में नहीं होगा, सिर्फ ए वाली कैटेगरी में, जो कैटेगरी टू है, और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी है उसमें एग्जाम होगा। अब उसमें बीटेक एलिजिबल भी नहीं है, आई थिंक उसमें बीटेक एलिजिबल नहीं है। वन ऑफ विच एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड is used to detect internal weld defect. Internal weld defect को एक ही चीज से देखते हैं, internal weld defect को एक ही चीज से देखते हैं, that is called the radiography. क्या बोलते हैं? Radiography बोलते हैं इसे, radiography या radiography बोलते हैं इसे। तो radiography testing जो होता है वो किसके लिए होता है guys? Internal defect को देखने के लिए। और एक बहुत और popular test है जिसका नाम होता है आपका liquid penetration test या dye penetration test। ये किसके लिए करते हैं? सरफेस क्रैक को देखने के लिए, सरफेस क्रैक्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं? डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करते हैं या फिर लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट आपके पास हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका रेडियोग्राफी टेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में आ गए हम। हाँ, तो अगर आप डिप्लोमा वाले हैं दिलीप जी, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी वन में फॉर्म भरिए डिप्लोमा के लिए। बहुत सारी सीटें हैं मैकेनिकल की, 300 सीट है, और जम की तैयारी करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक रुकिए मत डियर, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रुकिए मत, क्योंकि अगर आप युद्ध करेंगे, अगर आप युद्ध में जीत गए, अगर इस लड़ाई में अगर आप जीत गए तो आपको राज्य मिलेगा, और अगर हार गए तो एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी भी कंडीशन में आप कम से कम हारे हुए तो नहीं कहलाओगे, या तो आपको ताज मिलेगा या तो फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जिंदगी भर एक्सपीरियंस ही काम आएगा, एक्सपीरियंस पूरी जिंदगी काम नहीं आएगा, एक बार की हार से एक्सपीरियंस मिलेगा,
दूसरी बार वो गलती ना करने का हुनर मिलेगा, तो वो गलती ना करें। कोई बात नहीं श्वेतव सुमन टेक्निकल जी क्या ही बता सकते हैं, एज पे डियर क्या बोल सकते हैं। इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द एजेस, इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ द बेस मेटल एट द रूट फेस और ऑन द फेस और बिटवीन द वेल्डरंस देन इट इज कॉल्ड द लैक ऑफ फ्यूजन। आप सभी को पता, नो डियर इट इज लैक ऑफ फ्यूजन, इट इज लैक ऑफ फ्यूजन। वेल्ड मटेरियल ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहा कैविटी तक, वेल्ड मटेरियल सही से कैविटी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। If there is no melting of the edges of the base metal at the root face of the or on the side face or between the weld runs, यानी कि यहाँ पे है, तो आपका बच्चे यहाँ पे कोई like melting ही नहीं हो रही है, melting ही नहीं हो रही है। It is lack of fusion. Fusion means what? Melting. Latent heat of fusion means latent heat of melting. Fusion means what? Melting. Melting ही नहीं हो पा रही because material is not able enough to be fused. मेटेरियल फ्यूज ही नहीं हो पा रहा, लैक ऑफ फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, मेटेरियल फ्यूज नहीं हो पा रहा। हो सकता है उस टेम्परेचर तक उसका फ्यूजन उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हो, वो फ्यूज ही नहीं कर पा रहा, तो क्या बोलते हैं, दिस इज लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन बी करेक्ट। सोवी जी गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गए आज तुम, क्या बात है, कहां रह गए भाई? अरे पिज्जा उज्जा बाद में खा लेना, पढ़ाई कर लो। पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, गाइस जल्दी नहीं आंसर करें फास्ट, पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग is the result of, yes it is the electromagnetic force, kya electromagnetic force, pinch effect in welding electromagnetic force ki wajah se hota hai, isme zyada time nahi lagayenge, aaiye agle question paate hain, ye question aapko dikh raha hai kya, is this question visible to you all, kya ye question aapko visible hai dear, is it visible or not, should I zoom it, should I zoom it or is it visible, चलो जूम करें, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नॉ विजिबल, अब क्या विजिबल है या अभी भी नहीं है बताओ भाई, अभी विजिबल है, चलो बच्चे इससे ज्यादा विजिबिलिटी करेंगे तो फिर नीचे का ऑप्शन नहीं दिखेगा, अगर इससे ज्यादा कर देंगे तो नीचे का ऑप्शन नहीं दिखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ मैं आपको सारे ऑप्शन डिक्लेयर कर दूं, अब पूरा विजिबल है ना, अभी बताओ, मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा डियर, चलिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, चलिए बच्चे देख लेते हैं सॉल्यूशन ही बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आप मेहनत तो करना नहीं चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए वेल्ड पोरोसिटी, वेल्ड में पोरोसिटी किस वजह से आती है, जब उसमें कोई गैस ट्रैप हो जाए, अगर वेल्डिंग आप कर रहे हो कोई गैस ट्रैप हो गई, या आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डैम्ड है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डैम्ड है, डैम मतलब इलेक्ट्रोड कंटेनिंग मॉइस्चर, डैम्ड इलेक्ट्रोड मीन्स द इलेक्ट्रोड इज वेट, इट इज कंटेनिंग मॉइस्चर, सो उस केस में अगर वो मॉइस्चर है, इलेक्ट्रोड हीट होगा, तो मॉइस्चर से जो वॉटर के वेपर निकलेंगे वो वेल्डिंग में जाकर उस आपका बीड में ट्रैप हो जाएंगे और पोरोसिटी क्रिएट कर देंगे, यानी कि पोरोसिटी अब कब क्रिएट होगी, जब गैसेस आर ट्रैप्ड इनसाइड द वेल्ड, ठीक है। स्लैग इंक्लूजन बच्चे कब होगा बताइए, स्लैग इंक्लूजन कब होगा, ऑक्साइड फ्लक्सेस एंड इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल, ऑक्साइड हो फ्लक्स हो या इलेक्ट्रोड कोटिंग, इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने कोटिंग करी है तो स्लैग बनना तय है, क्लियर। वेन एवर द इलेक्ट्रोड इज कोटेड देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। वेल्ड क्रैक्स कब बनेंगे, वेल्ड क्रैक कब बनेंगे बच्चे बताइए, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग एंड इंटरनल स्ट्रेसेस, तो क्या आ जाएगा देखिए जरा, इसका जाएगा 4 और इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है कितना 5, ठीक है 4, 3, 5। वेल्ड स्पैटर कब होता है, जब करंट बहुत ज्यादा होती है, वेल्डिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इन सब पे वेल्ड स्पैटर होता है, तो यह इसका आ गया 1। इनकम्प्लीट फ्यूजन कब होगा, जब इनसफिशियंट हीट एंड फास्ट ट्रेवल ऑफ टॉर्च होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाएगा, 4, 3, 5, 1, कितना जाएगा 2, कहां चला गया भाई 2, 4, 3, 5, 1, 2 कहां है, 4, 3, 5, 1, 2, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते थोड़ा सा फटाफट गाइस आंसर करेंगे जल्दी जल्दी,
ताकि आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैं कवर कर पाऊं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। उससे पहले देखिए हम यहाँ 8:30 बजे तक हमने 64 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम 2 घंटे में 80 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब रैपिड फायर में करेंगे और करेंगे भी। ओके सौभिक, चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीआर एंड एमपीपीसीएल जेई एग्जाम गाइस, ठीक है, बढ़िया से करिए और तहलका मचा दीजिए। चलिए, अ वेल्डिंग डिफेक्ट व्हिच रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल थिकनेस ऑफ द बेस मेटल एंड व्हिच रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग जोन, इट इज कॉल्ड द अंडरकटिंग। क्या बोलते हैं? अंडरकटिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक गियर, गियर में अंडरकटिंग होती है तो टीथ की स्ट्रेंथ घट जाती है। व्हेन द टीथ ऑफ द गियर आर अंडरकट, ये टीथ क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, अंडरकट से स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज्ड मोस्टली मोस्ट इफेक्टिवली। गाइज गाइज नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट 25 to 30 क्वेश्चन, द नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व विद इन 20 मिनट्स। सो बी फास्ट, एकदम फास्ट रहिए, तेज तेज आंसर करिए, देखता हूं आप कितना फास्ट आंसर कर सकते हैं आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल गाइस, यू आर हैविंग टू ऑप्शंस, टी लोअर अपॉन टी हायर, सो बेटर यू शुड डिक्रीज द लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे, यस लोअर टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगी। लोअर टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होगी। लोअर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, this heat rejection temperature has to be minimum, and what is the minimum temperature of heat rejection for a practically feasible engine? agar duniya mein koi ye practical feasible engine hai, vastavik engine hai, real engine hai, so what is the minimum temperature of heat rejection? it is the atmospheric temperature, and what is the hypothetical temperature? hypothetically minimum temperature of heat rejection, this is 0 kelvin, lowest ever possible temperature in the universe is 0 kelvin, but the minimum temperature of heat rejection for a practically feasible engine into the universe is the atmosphere. तो दुनिया में किसी प्रैक्टिकल इंजन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। तो जब आप वहां तक आ जाएंगे तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, एंड दैट मैक्सिमम वर्क इज कॉल्ड द अवेलेबल एनर्जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1800 केल्विन एंड 100,000 केल्विन, व्हाट विल बी द लोएस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, बताइए लोएस्ट हीट रिजेक्शन। वन सेकेंड, एक सेकेंड का क्वेश्चन है, एक सेकेंड का, सिर्फ एक सेकेंड क्वेश्चन है ये, Q1 upon Q2. So this is your upper temperature 1800. This is your lower temperature 1000. देखे guys, देखे देखे देखे, ध्यान से देखे. Do not have to solve. Don't solve this question. क्या पूछा? What is the lowest heat rejection? Means Q2. What is the lowest heat rejection? Q2 per kilowatt net output of the engine. Q2 by W, what is this? What is this? What is this? What is Q2 by W? It is the COP of refrigerator. Yes or no? Q2 by W, it is the COP of refrigerator. Q2 by W, it is the, when you reverse the cycle, जब आप इसे साइकिल को रिवर्स कर देंगे, this arrow will be heading upward. और ये क्या हो जाएगा? Refrigeration effect. ये वर्क उल्टा हो जाएगा. Q2 by W, COP of refrigerator पूछा है, निकाल लो. What is the COP of refrigerator? T lower upon T higher minus T lower. टी लोअर कितना है? 1000. हायर माइनस लोअर 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8 100. 00 10 बाई 8 कितना आ जाएगा? 1.25. खत्म क्वेश्चन, खत्म, इतना दिमाग ही नहीं लगाना। इन सब क्वेश्चन को ऐसे ही जुगाड़ से सॉल्व करो। इंजन दिया है, देखो कुछ कहीं फ्रिज का निकल रहा है क्या, कुछ हीट पंप का निकल रहा है क्या? वी नो दैट 1 upon एफिशियंसी ऑफ इंजन इज इक्वल टू हीट पंप, एंड सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटर प्लस 1. खत्म, नेक्स्ट. Which of the following statement is true about an engine having an efficiency of 60% working under the temperature of 1540 Kelvin? No buff Abhishek, absolutely okay. Guys, very simple. Carnot efficiency 1 minus T lower upon T higher. 1 minus T lower. 540, 1000, 0.54. 1 minus 0.54, 0.46 means Carnot efficiency 0.46, 46%. Real engine 60%, not possible between same limit. Not possible between same temperature. If in any interview,
If in any interview, suppose that you are applying for the technical officer in bar category, in bar you are applying for the technical officer category, and in interview, examiner ने आपसे पूछा कि can any engine be more efficient than Carnot engine? Can any real engine be more efficient than Carnot engine? Immediately answer, yes sir. एक real engine भी Carnot से ज़्यादा efficient हो सकता है. अब examiner आपको देखेगा और मुस्कुराएगा. आप भी examiner को देखो और मुस्कुराओ थोड़ा सा और answer करो sir. Between when the temperature limit is different. अगर temperature limit different है तो कोई भी इंजन Carnot से ज्यादा efficient हो सकता है, but within the same temperature limit कोई भी इंजन Carnot ज्यादा efficient नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहां पर देखिए गाइस कितना efficiency आ जाएगी, 1 minus T lower 540 upon 1000 कितना आ जाएगा 0.46, यानी कि 46%. इसकी कितनी है 0.6. सो ये रियल की ज्यादा है, रियल की ज्यादा है किससे, Carnot से, which is not possible. The hypothetical engine. Okay. While working between temperature 150 Kelvin and 300 Kelvin, the entropy change experienced by a Carnot engine during the heat addition. Yes, 1 kilojoule per Kelvin. Kitna 1 kilojoule per Kelvin work produced in kilojoule by the engine. Guys, this question, 10 second ka question hai. Sirf 10 second ka, only 10 second ka question hai. Jaldi jaldi answer kar do fast. Everyone. Only 10 second ka question hai. Jaldi jaldi answer kar do fast. Working between temperatures. Kitna. Dekhe, iski efficiency kaise nikalenge? टेम्परेचर लिमिट कितना है 150 और 300, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आएगी 50%. कितनी आएगी एफिशिएंसी 50%, 1 माइनस 150 अपॉन 300. एफिशिएंसी कितनी आ गई गाइस 50%, यानी कि 0.5 आ गई. अब क्या बोला, एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस बाय द Carnot इंजन ड्यूरिंग हीट एडिशन. दिस इज Carnot इंजन, दिस इज Q1 एंड व्हाट इज दिस इज T1. क्लियर, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन. So ds is equal to q1 upon t1. What is q1? Ds is equal to 1. Entropy change during heat addition, ds is equal to 1 into t1. T1 kitna hai 300 into 300 is equal to q1. What is heat supply? It is here 300 kilo joule. Now heat supply aapko mil gaya 300 kilo joule. Work aapko batana hai, efficiency pata hai 50%. Heat supply 300, efficiency 50%, means 300 ka 50% work mein convert, 50% rejection. तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा. नेक्स्ट बात आते हैं, द स्टीम विच कंटेन्स मॉइस्चर और पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन सस्पेंशन इज नोन एज. क्या बोलते हैं यस, क्या बोलते हैं बच्चे, वेट स्टीम. यस, इट इज द वेट स्टीम. बहुत बढ़िया. 70वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. यस, क्वेश्चन नंबर 70 गाइस. 10 मोर क्वेश्चन फास्ट. वेरी सिंपल. देख क्या बोला, द हीट दैट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड. गाइस आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिसन. द हीट दैट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड बाय आइस ऑफ मास 500 ग्राम टू टेक इट इनटू द वाटर. मींस आपके पास यहां पे क्या है, आइस है. ये क्या है गाइस, आपके पास आइस है. किस पे है ये, -10 डिग्री सेल्सियस पे. कितनी आइस है, 500 ग्राम means 0.5 kg. ठीक है, अब आपको इसको कहां ले आना है, आपको इसको ले आना है गाइस वाटर में. कहां ले आना है, वाटर में. कितना वाटर बनेगा, 0.5 kg, because mass will be conserved. टेंपरेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस. बस कितने फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए. पहले आप कहां से आएंगे, पहले आप आएंगे -10 से 0 तक. कहां से आएंगे, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक. फिर ये सेंसिबल हीटिंग पार्ट 1. फिर आप 0 से 0 आएंगे. कहां से आएंगे, 0 से 0. मींस आइस क्या करेगा, अपनी फेस को चेंज करेगा. दिस इज आइस, नाउ इट विल चेंज इट्स फेस. लैटेंट हीट क्या आ जाएगा, लैटेंट हीट आ जाएगा. फिर 0 से आप कहां आएंगे, 20 तक आएंगे. फिर 0 से आप कहां आएंगे, 20 तक. अगेन सेंसिबल हीट 2. ठीक है, बस यही आपको करना है. पहले -10 से 0 तक आएंगे, फिर 0 पे आइस अपनी फेस को चेंज करेगा. लैटेंट हीट, ये सेंसिबल, ये लैटेंट, फिर ये सेंसिबल. ये आपको निकालना है. देखिए टोटल हीट सप्लाई कितना हो जाएगा. व्हाट इज टोटल हीट सप्लाई, इट इज sensible heat 1 plus latent heat plus sensible heat 2. What is sensible heat? Guys, I am going to take m common. देखो, sensible heat 1 कितना जाएगा?
एमसी डेल्टा टी, एम कितना है 0.5, सी कितना है देखिए -10 पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2.2, ठीक है, सो 0.5 देखिए 0.5 इंटू 2.2 एमसी डेल्टा टी इज व्हाट -10 जीरो, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 का, कितना है 10 का, सो इट इज कितना गया देखो कितना गया 5 इंटू 2.2 11, कितना गया 11 प्लस LH कितना है बच्चे देखिए लैटेंट हीट कितना है आइस की 300 किलो जूल पर केजी और आइस कितना है 0.5 केजी, सो इट इज m into LH यानी कि 0.5 into 300, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लस सेंसिबल हीट टू MC डेल्टा T, m कितना है 0.5, c कितना है देखिए यहां पर 4.2, c कितना है 4.2 into डेल्टा T 0 से 20 यानी कि 20, तो देखिए गाइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11, ये आ जाएगा 150 और ये आपका आ जाएगा देखिए 20 into 0.5 10 into 4.2 42, तो आप जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 203, कितना आंसर आ जाएगा 203। नेक्स्ट, यस सेंसिबल हीट वन सेंसिबल हीट टू एंड लैटेंट हीट 203, वेरी सिंपल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एट द सेम टेम्परेचर टी, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू, नहीं बच्चे गलत आंसर मत करिए प्लीज, और गाइस हमारी डेली क्लास चलती है, एंड यस अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द मंडे कमिंग मंडे लाइक डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर मींस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बार की टेक्निकल क्लासेस आपके लिए पूरी टेक्स्ट बुक टीम लेके आ रही है मंडे से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी, और मेरी जो मैकेनिकल की क्लास होगी बार्क की स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए वो होगी 8 बजे से 9 बजे तक इसी टाइम पे, 8 से 9 इसी चैनल पर, तो रहिएगा जरूर। We are having 2 hours classes, 7 to 8 for SSC JEE RRB JEE and 8 to 9 for this BARC, ठीक है? So oxygen, guys, जो kinetic energy होती है, mean kinetic energy क्या होती है? 3/2 times KT means kinetic energy proportional to temperature. बस kinetic energy proportional to temperature. It is not proportional to the molecular weight. Temperature is same, so kinetic energy will also be same. चाहे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है? यस यस नहीं बच्चे 4:1 नहीं है, दैट इज 1:1, इसका आंसर करिए। थोड़ा मैं जूम करूं बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ट्रू फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर वेट स्टीम टू गेट कन्वर्टेड टू सुपर हीटेड स्टीम, बताइए बच्चे। हियर द आंसर इज बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर इज बी ठीक है? लिसन व्हाई, विच ऑफ द इन वेट रीजन द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो इन वेट रीजन टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दिस ऑप्शन आप डायरेक्टली हटाइए क्योंकि यहां पर टेम्परेचर वेट रीजन में घट रहा है, ये तो हट ही जाएगा, इन वेट रीजन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कॉन्स्टेंट, नाउ हियर दिस विल ऑल्सो नॉट बी ट्रू बिकॉज in wet region temperature and pressure are constant but in superheated region the temperature increases, it cannot be constant hai na, kya bola hai ki which of the following curve is true for the isothermal process so guys in superheated region the temperature increases, it cannot be constant, clear? Now next b and d is wrong, it is isothermal. Isothermal means PV is equal to constant, P is inversely proportional to V. Here P and V both are increasing, no, not possible, isothermal process, P inversely proportional to V, if P increases volume decreases, so here the option will be this. In wet region constant pressure line is like it is coinciding with the isothermal line, in wet region constant pressure isothermal dono barabar hai, lekin yahan par
प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, सी नहीं है बच्चे, बी है. अच्छा हाँ, ये सी. ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ऐसे कंफ्यूजन लिया, ए बी सी डी, कोई बात नहीं. दिस ऑप्शन सी इज राइट. यस सी इज राइट. माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज माय लॉर्ड. व्हाट टाइप ऑफ स्लोप डस कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन द सुपरहीटेड रीजन ऑफ द मूले डायग्राम. कैसा स्लोप आएगा बच्चे? व्हाट टाइप ऑफ स्लोप द कांस्टेंट प्रेशर लाइन विल हैव इन द सुपरहीटेड रीजन ऑफ द मूले डायग्राम? पॉजिटिव स्लोप. क्या आ जाएगा? पॉजिटिव स्लोप. क्यों बच्चे? क्योंकि देखिए, डीएच बाई डीएस, डीएच बाई डीएस स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम, दिस इज स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन. व्हाट इज मोलियर डायग्राम? व्हाट इज मोलियर चार्ट? इट इज द स्लोप ऑफ आइसोबार ऑन एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम. एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप क्या बोलते हैं? मोलियर डायग्राम का स्लोप, मोलियर डायग्राम बोलते हैं इसे. तो गाइस ये क्या होता है आपका टी के इक्वल. देखिए कहां से आएगा, टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस बीडीपी. देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन डीपी क्या हो जाएगा? जीरो. नाउ हियर डीएच अपॉन डीएस क्या आ जाएगा? टेम्परेचर के बराबर, और वो भी कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन. किसका स्लोप है ये? कांस्टेंट प्रेशर लाइन का. गाइस टेम्परेचर इन केल्विन ऑलवेज पॉजिटिव. टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर एवर बी नेगेटिव. द मिनिमम वैल्यू इन द यूनिवर्स, द मिनिमम वैल्यू इन द यूनिवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो केल्विन. बिलो दिस यू कैन नेवर एवर गो. इफ यू रीच देयर द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल विल बी जीरो. मींस द मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी जीरो. इट विल बी फिनिश्ड. काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. देयर विल बी नो वाइब्रेशन. एंट्रोपी विल बी ब्लॉक्ड. डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी ब्लॉक्ड. एंट्रोपी विल बी जीरो. तो मिनिमम टेम्परेचर आपका यही है, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो स्लोप कभी, मोलर डायग्राम का स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इफ द स्लोप ऑफ द मोलर डायग्राम इज नेगेटिव, मींस इट इज वायलेटिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव. नेक्स्ट पे जाते हैं. चलो चलो चलो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट. गाइस कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट क्या होता है? आर बार बाई एम. अब देखिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले ज्यादा वाला और सबसे लास्ट में कम वाला. जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका आर सबसे कम. तो जरा देखिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम तो आर सबसे ज्यादा. उसके बाद नाइट्रोजन का 28, एयर का 29 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44. इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा तो आर की वैल्यू सबसे कम. डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है, सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम. ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ. इस ग्राफ को पढ़िए और बताइए इनमें से फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर्व कौन सा है. इस ग्राफ को पढ़िए और बताइए इनमें से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर्व कौन सा है. तो बच्चे देखिए, फ्रॉम हियर इट इज सॉलिड सेंसिबल हीट सैचुरेटेड लिक्विड. सैचुरेटेड लिक्विड से यहां से क्या गया? इट इज योर, यहां पे क्या है आपका? देखिए आपसे क्या पूछा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपसे पूछा है. यहां पे सॉलिड है, सॉलिड यहां पे गया और यहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में. इट इज लिक्विड अगेन, सैचुरेटेड लिक्विड. सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर. सो हियर इट इज सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो इट इज योर लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ऑप्शन ए बी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ए बी. ए बी, यस, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट बात है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर एंथैल्पी एंट्रोपी. द क्लैपेरॉन इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड रिलेशनशिप बिटवीन. बताइए क्लैपेरॉन इक्वेशन गाइस क्या होती है? ग्राफ में लिख दूं? हाँ लिख देता हूं बच्चे. चलो ठीक है, तो दिस इज योर हियर. यहां लिख तो दिया सॉलिड, ये लिक्विड, ये सैचुरेटेड लिक्विड, यहां पर सैचुरेटेड वेपर. अब आप समझ जाएंगे ये क्या है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपका है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग. नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बच्चे बताइए क्या आंसर आ जाएगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आ जाएगा. वेरी नाइस, ऑप्शन डी आ जाएगा. देखिए क्या पूछा, क्लैपेरॉन इक्वेशन. क्लैपेरॉन इक्वेशन किस लिए यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर.
क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, किसी मिक्सर का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करते हैं। क्या होती है? डेल पी ओवर डेल टी इट इज इक्वल टू एस जी माइनस एस एफ अपॉन अपॉन टी सैचुरेशन इंटू वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, एस जी माइनस एस एफ अपॉन टी सैचुरेशन इंटू वी जी, नहीं 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 एच जी, सॉरी इट इज एच जी माइनस एच एफ, ठीक है, अपॉन टी सैचुरेशन इंटू वी जी माइनस वी एफ। तो क्या यूज करते हैं बच्चे हम? टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर और एंथैल्पी, टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर और एंथैल्पी, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, इन अ कंटेनर कंटेनिंग आइडियल गैस टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए लगाते हैं क्वेश्चन, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू लगाते हैं। तो क्या बोला? टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि टी टू इज इक्वल टू क्या हो गया? टी वन बाय टू। वी टू क्या हो गया बच्चे? वी वन बाय टू। क्या हो गया? वी वन बाय टू। यहां पर रखिए, देखिए टी टू आपका हो गया कितना? टी वन बाय टू, टी वन बाय टू। वी टू कितना हो गया? वी वन बाय टू। सो टू टू कट जाएगा, वी वन वी वन यहां से, टी वन टी वन यहां से कट जाएगा, पी वन बराबर पी टू आ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आइए इस क्वेश्चन बात है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग इसका, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे गाइस। क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग, देखिए बच्चे एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन क्या है? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेक लॉग ऑफ बोथ साइड। मैं क्या लिखूंगा? ln ln p log m into n ln p plus gamma ln v is equal to log constant means zero. Now I am going to differentiate both the side. क्या आ जाएगा? dp by p plus gamma dv by v is equal to zero. मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? देखिए यहां पर इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। अब आपसे क्या पूछा कि dv by v क्या आ जाएगा? dv by v is equal to dp by p here और गामा यहां आ जाएगा माइनस वन बाई गामा। क्या आ जाएगा? माइनस वन बाई गामा डेल पी बाय पी। क्या आ जाएगा? माइनस डे टू क्वेश्चन रिमूविंग, ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस वन बाई गामा डेल पी और पी, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। यस, टू क्वेश्चन रिमेनिंग। यस, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन वैलिड फॉर, गाइस थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे, येट वी आर हैव मोर देन टू क्वेश्चंस, वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन, बट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर गाइस, ठीक है। यस, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एनी सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिमेंबर दैट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, फोर रिलेशन आर देयर, दिस इज वैलिड फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यू कैन यूज द मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। Kinetic energy of an ideal gas at 27 is E. Its kinetic energy at 327. Guys, you already know kinetic energy proportional to temperature. So kinetic temperature, absolute temperature, it is proportional to absolute temperature. So here it is 300 Kelvin. ये कितना है? 600 Kelvin. तो कितना हो जाएगा? Double हो जाएगा. भाई 300 पे K है, तो 600 पे क्या आ जाएगा? 2 क्या आ जाएगा? 600 पे क्या आ जाएगा? 2 क्या आ जाएगा? Yes, 300 पे कितना है? 300 पे E है और 600 कितना आ जाएगा? 2E. Guys, we are having more question, but here, चलो कोई बात नहीं, अब इसको बाद में करेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। एंड गाइज यस लिसन जस्ट वेट वन थिंग्स, वी आर हैविंग हियर कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 88 क्वेश्चंस वी आर हैविंग ना, तो हमारे पास गाइज बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब चले गाइज, जो MPPSL JEE की जो एग्जाम एनालिसिस होगी, ये तो पुराना लगा दिया इसने, तो कल सुबह 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा एग्जाम एनालिसिस में, कल सुबह 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा, जिसमें होगी मैकेनिकल की एग्जाम एनालिसिस 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को मैकेनिकल की एग्जाम एनालिसिस होगी, नॉट सिविल, इट इज फॉर मैकेनिकल, इसकी होगी मैकेनिकल की एग्जाम एनालिसिस होगी कल सुबह 10:15 बजे। और गाइस जो बच्चे चाहते हैं, यस दिस इज द लास्ट, दिस वाज द लास्ट क्लास फॉर द MPPGSL JEE गाइस। सो ये आप सबकी क्लास, मैंने बहुत पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको अपना बेस्ट दे पाऊं, जितना मुझसे हो सका मैंने आपको अपना बेस्ट दिया, तो आप भी अपना बेस्ट एग्जाम में दीजिए गाइस, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश के कभी जय जयकार नहीं होती। तो अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो रास्तों को दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। अगर रास्तों को लगेगा कि तुम्हारे पांव में दम है, तभी रास्ते तुम्हें एक मंजिल तक पहुंचाएंगे और वो एक आपको रास्ता देंगे। तो गाइस अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रास्तों को बताना पड़ेगा कि यार मेरे पांव में दम है और मैं चल सकता हूं,
ठीक है। तो कोई भी बहाना, कोई इफ और बट नहीं चलता। अगर सक्सेस को पाना है गाइस तो कोई बहाना नहीं है, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस वर्क एक पाथ का फंक्शन है, जितना आप लंबा वर्क करेंगे उतना अच्छा आप ट्रैवल करेंगे, उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी होगी। तो पहले तो आप जिन बच्चों का कल एग्जाम है आईपीआरसी का या आईपीआर का या फिर एमपीपीएसएलजेई का, आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से, हमारी पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस। एग्जाम बढ़िया से करेगा गाइस, और एकदम कूल होकर देखिए। दो तीन टिप्स दिमाग में रखिए, एक पेपर को बिल्कुल शांत होकर करना, बिल्कुल कूल माइंड से करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस को रिलीव करने से आपकी एफिशिएंसी 35-40% ऐसे ही बढ़ जाती है। और गाइस ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ज्यादा ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपने मन से करेगा, ना समझ में आए तो फिर कर लीजिएगा जो भी आप करना है, बट दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखिएगा, स्ट्रेस रिलीव रखिएगा और बेहतर तरीके से पेपर दीजिएगा। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। और आपसे कल मैं सुबह फिर आपसे बात करूंगा, सुबह लाइक 10:15 आपसे बात करेंगे, 10:20 आपसे जुड़ेंगे कंटिन्यू सेशन में और आपसे करेंगे बातें। तो बेटर होगा गाइस इस लिंक के नीचे, यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के नीचे आई थिंक एक गूगल का फॉर्म होगा, आप उस गूगल को फॉर्म को भर दीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट हुआ होगा, आप उस गूगल के फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, ताकि हम आपसे बातें कर सकें। ठीक है, हाँ रमेश भाई मैं वही बोल रहा हूँ। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच, अगर आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना गाइस, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है। और टेक्स्ट बुक का पास जो कि बहुत खास है, उसका अंतिम दिन चल रहा है, यानी कि 29 और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो आज 29 है, कल 30 है, इसके बाद ये डेट खत्म हो जाएगी। इससे पहले डेट खत्म हो जाए, टेक्स्ट बुक के खास पास को बनाइए अपना और पूरा करिए अपने गवर्नमेंट जॉब का सपना, जिसमें आपको दो तरह की कैटेगरी मिल रही है, एक टेक्स्ट बुक का पास और एक टेक्स्ट बुक का पास प्रो वर्जन। पास प्रो वर्जन में फायदा यह है कि आप एक टेस्ट सीरीज को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें गाइस आपको यूज करना है ये कोड आर मिश्रा पास आपको यूज करना है, अगर आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो। और गाइस इसी और इसी कैटेगरी में आपको एजे मैकेनिकल या फिर बार का डिप्लोमा कैटेगरी का पूरा कोर्स यहां पर मिल रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से। 30 अप्रैल तक आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है गाइस, बहुत ही कम प्राइस पे, 7000 का पूरा कोर्स 1800 रुपए मिल रहा है। आर मिश्रा को कोड लगाना है और आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि 9 महीने कोर्स के साथ, और आपको 50% का डिस्काउंट भी यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरा कोड लगाने से, यानी कि अगर आप 65 वैसे मिल रहा है, मेरा कोड आप लगाएंगे 35% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और 3 मंथ की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों का कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, तो आइए वेबसाइट पर इस कोर्स को परचेज करिए और बढ़िया तैयारी करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट विशेस, गुड नाइट, लव यू ऑल। पेपर में कल मचा के रखना है यार, बढ़िया से पेपर करना है और जिंदगी में किसी न किसी मुकाम पर पहुंचना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम गाइस, जस्ट चेरिश योर माइंड और बढ़िया से सोएं, अच्छी नींद लें और फर्स्ट क्लास कल पेपर दें। थैंक यू सो मच।